नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में और उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म पूर्णिया में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है, और उसके बाद कुछ दिनों बाद उन लोग पटना में शिफ्ट हो गए थे। उनका बेसिक एजुकेशन 10th क्लास तक पटना में हुआ है। पटना में वो लोग 2002 तक थे। 2002 में उनकी मम्मी का देहांत हो गया। उसके बाद उसी साल वो लोग दिल्ली में शिफ्ट हो गए। दिल्ली में राजपूत ने 11th 12th का एजुकेशन प्राप्त किया और फिर वहीं से उसके बाद 2003 में वो 12th पास किए। 2003 में 12th पास करने के बाद उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जिसमें उनका 7th रैंक आया। उस बाद बहुत सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास किए थे वो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस में भी उनका सिलेक्शन हुआ था। ऐसे लगभग सोर्सों से पता चला है कि 11 इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 2003 में ही एडमिशन लिया मैकेनिकल ब्रांच में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और वहाँ से उनका एजुकेशन चालू हुआ। लेकिन उनकी क्लास में चूँकि लड़कियाँ नहीं होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो उनकी क्लास में कोई लड़कियाँ नहीं थी, कोई लड़की नहीं थी, तो उनके बैचमेट ने बताया कि तुम डांस क्लास ज्वाइन करो, तो वहाँ पे लड़कियाँ होंगी, फिर वहाँ से तुम्हारा फ्रेंडशिप होगा हो सकता है लड़कियों से। तो लड़कियों की वजह से उन्होंने श्यामक डावर डांस क्लास ज्वाइन किया। उसके बाद उनको जब कोर्स पूरा हुआ तो उन्होंने मतलब श्यामक डावर के थ्रू ही उनको कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्मेंस देने का मौका मिला, फिल्म फेयर अवार्ड में परफॉर्मेंस देने का मौका मिला। इस तरीके से वो मतलब इनका डांस में ही करियर आगे बनता चला गया। ऐश्वर्या राय के साथ डांस करने का मौका मिला, धूम टू में ऋतिक रोशन के साथ डांस करने का मौका मिला। इस तरीके से मतलब बैकग्राउंड डांसर के तौर पे उनका करियर अच्छा चलने लगा। फिर उन्होंने मतलब वो जब उनका डांस अच्छा चल रहा था तो उन्होंने प्लान किया कि चलो अब हम एक्टिंग में भी ट्राई करते हैं, थिएटर और डांस। तो फिर उन्होंने बैरी जॉन्स का एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया और वहाँ से वो प्लान किए कि अब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना है, बॉलीवुड में करियर बनाना है, तो मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। उसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए 2008 में। 2008 में मुंबई शिफ्ट हुए तो वहाँ भी उन्होंने थिएटर एवं डांस क्लास ज्वाइन किया। और वहाँ से जब वो अभी लगभग 2.5 साल वहाँ पे सीखे हो थिएटर और डांस के बारे में, 2.5 साल सीखने के बाद इसके पहले वो श्यामक डावर एक डांस ट्रूप होता है जो कि एक पूरा कोर्स होता है 1 साल का, उसमें भी वो कर चुके हैं। तो वो ट्रूप करने के बाद और मतलब 2.5 साल एक्टिंग सीखने के बाद उनका सिलेक्शन एक नेस्ले कंपनी का मंच का जो ऐड था, टीवी एडवर्टाइजमेंट था, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ, जो कि पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस हो गया। उसके बाद बालाजी फिल्म्स वालों ने उनको बुलाया ऑडिशन के लिए, किस देश में है मेरा दिल, इस सीरियल में एक जुनेजा करके कैरेक्टर था, इसके लिए उनको बुलाया गया। उसके बाद मतलब उनकी पहचान हो गई बालाजी फिल्म्स वालों से। फिर एक नया शो चालू हो रहा था पवित्र रिश्ता, जिसके लिए लीड कैरेक्टर वो लोग खोज रहे थे, एकता कपूर और उनकी टीम, और वो लोग कुछ पैसों का भी डिमांड कर रहे थे कि 25 लाख से 30 लाख रुपए जो देगा उसको लीड दिया जाएगा। तो सुशांत सिंह राजपूत के पास कुछ पैसे थे और कुछ पैसे उन्होंने अपने फैमिली से अरेंज करके दिया एकता कपूर को, लगभग 25 लाख रुपए, तब जाके उनको पवित्र रिश्ता में लीड करेक्टर मिला। और वहाँ से उनका करियर बहुत ही अच्छा निकल पड़ा। पवित्र रिश्ता जी टी वी पर आता था और एक हिट शो साबित हुआ, और इस तरीके से वो अपना करियर लगभग कुछ 2009 से 11 तक चला था उसके। तो और इसी दौरान उनको झलक दिखला जा 2 में,
और उसके बाद एक और डांस रियलिटी शो ही था जरा नच के दिखा, इस दो में उनको चांस मिला डांस रियलिटी शो, क्योंकि ये ऑलरेडी बैकग्राउंड डांसर रह चुके हैं तो इनका डांस अच्छा है, तो इनको डांस रियलिटी शो में चांस दिया गया था और इसमें वो सेकेंड रनर अप रहे थे दोनों में। और 2011 में 2010 से ही इनका वो रिलेशनशिप चालू हो गया था, वो पवित्र रिश्ता के दौरान ही अंकिता लोखंडे से, और ये लगभग चला 2016 तक। और इसी बीच में वो 2011 में पवित्र रिश्ता छोड़ के और उसके बाद उन्होंने मतलब अमेरिका से जाके फॉरेन से अमेरिका से एक्टिंग क्लास सीखा फिल्म के लिए। उनका प्लान अब हुआ कि अब मैं फिल्म करूँगा, इसके बाद वो फिल्म के लिए अपना करियर बनाने के लिए एक्टिंग सीखे। तो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि बालाजी टेलीफिल्म्स में एकता कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत से 25 लाख रुपए लिए थे पवित्र रिश्ता में काम देने के लिए। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में अगर आप सीरियल में या फिर फिल्म में, जनरली ऐसा होता है कि लीड अगर आप करते हैं तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि एक से एक टैलेंटेड लोग, एक से एक अच्छे दिखने वाले खूबसूरत लोग, लड़कियाँ लड़के वहाँ पे भटक रहे हैं लेकिन किसी को चांस नहीं मिल रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको चांस मिल जाता है, लेकिन बशर्ते कि आप में टैलेंट भी होना चाहिए। टैलेंट है और आप पैसे लगाने के लिए रेडी हैं तो आपको चांस मिलने का ज़्यादा चांस है। और तो इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत अमेरिका गए और एक्टिंग क्लास सीख कर आए वहाँ से। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई अभिषेक कपूर से, जो कि काई पोचे फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे। ये फिल्म चेतन भगत की नोवेल है, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, उसी पर ये बन रही थी फिल्म काई पोचे, जिसमें तीन लीड का रिक्वायरमेंट था। तो एक लीड उसमें सुशांत सिंह राजपूत का ऑडिशन लिया गया और उनको फाइनल किया गया। सेकेंड उसमें भी कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे सुशांत सिंह राजपूत ने। सेकेंड लीड में राजकुमार राव थे और थर्ड लीड में अमित साध थे। तो तीनों ने कुछ इन्वेस्ट किया था और कुछ अभिषेक कपूर ने किया था और ये फिल्म बनी काई पोचे और रिलीज हुई और ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद उनका फिल्मों में भी करियर अच्छा बन पड़ा। उसके बाद उनको यशराज फिल्म्स के तरफ से शुद्ध देसी रोमांस मिला और वो फिल्म भी हिट रही। उसके बाद 2015 में उनको मिला वेंकटेश बख्शी। उसके बाद 2016 में उनकी फिल्म आई पीके, जो कि उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और इसी फिल्म में उनको आमिर खान, अनुष्का शर्मा के साथ काम करने का मौका मिला और इससे उनको मतलब एक अच्छा ग्रोथ मिला इस फिल्म से। उसके बाद 2016 में ही उनकी फिल्म आई एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। जो कि एक कमर्शियली हिट फिल्म रही। उसके बाद इनको चांस मिला राबता में, जो कि 2017 में आई। उसके बाद 2018 में आई केदारनाथ, 2019 में आई छिछोरे और ये सारी फिल्में इनकी हिट होती चली गई। उसके बाद 2020 में आई दिल बेचारा, जो कि मई 2020 में रिलीज होने वाली थी लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से उसका रिलीज डेट टल गया और सुशांत की मौत के बाद इसको हॉटस्टार पे रिलीज करना पड़ा। तो इस दौरान इनको बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, जैसे कि नितेश तिवारी ने बनाई छिछोरे, यश चोपड़ा फिल्म से साथ काम करने का मौका मिला। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता चला गया और इनका करियर आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद इनको सीरियल्स में
फिर मतलब बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला इनको। उसके बाद फिल्मों में जो पहली फिल्म आई थी काई पोचे, इसमें बेस्ट नॉमिनेशन, बेस्ट डेब्यू एक्टर का एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए, बेस्ट डेब्यू एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए। उसके बाद MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लिए इनको बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट एक्टर में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए मतलब नॉमिनेट किया गया था इनको। तो इस तरीके से इनका करियर आगे बढ़ता चला गया, और इसी बीच 2016 में इनका ब्रेकअप हो गया अंकिता लोखंडे से। अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप होने के बाद इनका फिर से रिलेशन बना कृति सेनन के साथ, जो कि फिल्म कर रहे थे राबता। उसके बाद ये दोनों काफ़ी करीब आए थे, इनके अफेयर्स की बातें सुनने में आई थी। फिर इनका भी ब्रेकअप हुआ। उसके बाद केदारनाथ के दौरान सारा अली खान के साथ भी इनका अफेयर सुनने में आया, और फिर सुनने में आया कि उनकी मम्मी ने सारा अली खान को मना कर दिया कि उसके साथ टच में मत रहो, तो फिर वो दोनों का भी ब्रेकअप हो गया। उसके बाद इनकी लाइफ में 2019 में, मार्च में 2019 में आई रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती का रिलेशन इनका 2019 में चालू हुआ और इनकी देहांत तक चला। तो अब अभी बात करेंगे हम लोग कि उसके बाद रिया चक्रवर्ती से मिलने के बाद इनका लाइफ मतलब इनके इनके लाइफ में चेंजेज आने लगा इस किस्म का कि अभी वो ड्रग्स ले रहे हैं, कभी सुनने में आ रहा था कि स्मोक कर रहे हैं, कभी गांजा पी रहे हैं, तो कभी कुछ ऐसे बीस किस्म की अफवाह अभी पता चल रहा है उनके डेथ के बाद। पहले कुछ पता नहीं था, उनके डेथ के बाद ही रिया चक्रवर्ती ने अनाउंस किया कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी। उसके बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। अभी तक जैसा कि पता चल रहा है, आगे पता चलेगा कि ये हत्या था या आत्महत्या था, अभी CBI जांच चल रही है, तो अभी तक यही समझ में आ रहा है कि ये सुसाइड था। ये हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती या उनकी फैमिली पे आरोप लग सकता है कि ये उनके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है कि सुसाइड के लिए उन्होंने उनको उकसाया था, ये हो सकता है। तो ये अभी CBI की जांच चल रही है, पता चलेगा। उनका देहांत 14 जून 2020 को हुआ था, और 16 जुलाई 2020 को उनके पापा ने पटना पुलिस के पास जाकर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR दर्ज कराया था। उसके पहले मुंबई पुलिस इस केस की लिपापोती कर रही थी, उन लोगों ने कोई FIR दर्ज नहीं किया था। इससे पता चलता है कि पॉलिटिकल दबाव था, पॉलिटिकल प्रेशर था मुंबई पुलिस पे, क्योंकि वहाँ पे सरकार है उद्धव ठाकरे का, आदित्य ठाकरे का। तो बीच में ये भी सुनने आया था कि आदित्य ठाकरे का कनेक्शन है रिया चक्रवर्ती से, और हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे रीजन हैं उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि बार बार उस केस को दबाने का कोशिश कर रहे हैं शिवसेना वाले। संजय राउत बार बार सुशांत सिंह राजपूत केस के विपक्ष में बात कर रहे हैं, रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको बताता हूँ मैं कि कोई केस दर्ज क्यों नहीं हुआ, इतना बड़ा हत्या होने के बाद कोई केस दर्ज नहीं हुआ। पोस्टमार्टम कभी भी नाइट में नहीं होता है, पोस्टमार्टम नाइट में हुआ। रिया चक्रवर्ती को अंदर जाने का अलाउ किसने किया, तो वहाँ पे उनका राज है, उन लोगों ने अपने हिसाब से सब कुछ किया। अब बात करते हैं थोड़ा सा कंगना रनौत के बारे में भी बात करेंगे कि कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत केस के वजह से पूरे बॉलीवुड पे आक्रामक हो गई है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्या बोलते हैं उसको, कंगना रनौत ने बहुत सारे लोगों को निशाने पे लिया है। रणबीर कपूर हो, रणवीर सिंह हो, या विक्की कौशल हो, या फिर अयान मुखर्जी हो,
करण जौहर का टीम को पूरा लिया है। और मैं आपको ये भी बोलूँगा कि उन्होंने डर के वजह से आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली का नाम नहीं लिया, सलमान खान का नाम नहीं लिया, संजय दत्त का नाम नहीं लिया, क्योंकि आदित्य पंचोली एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है उनका। सूरज पंचोली का रिकॉर्ड रहा है कि जिया खान को उन्होंने मारा है। संजय राउत बार बार सुशांत के केस को अपोज कर रहे हैं या फिर मुंबई पुलिस का सपोर्ट कर रहे हैं। अभी अगर इसमें बिहार सरकार ने अगर इस केस को साथ नहीं दिया होता, सपोर्ट नहीं किया होता, तो शायद सीबीआई जांच नहीं होता। तो बिहार सरकार ने कोशिश किया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त को सीबीआई जांच का ऑर्डर दिया और सीबीआई जांच जाके अभी चालू हो रहा है, सीबीआई जांच अभी चल रहा है। उसके बाद ड्रग्स का मामला आने के बाद एनसीबी वाले जांच कर रहे हैं और 15 करोड़ घोटाला करने के आरोप में ईडी भी जांच कर रही है। तो संजय राउत बार बार बोल रहे थे कि मुंबई पुलिस जांच करेगी, मुंबई पुलिस जांच करेगी। क्यों मुंबई पुलिस जांच करेगी? आप महाराष्ट्र को मुंबई पुलिस आपकी है तो मुंबई पुलिस जांच करेगी? आप प्रिया को बचाना चाहते हो? क्यों मुंबई पुलिस के सपोर्ट में कर रहे हो आप? अगर मुंबई पुलिस सही होती, मुंबई पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं होता, मुंबई पुलिस सही है ये मैं मानता हूँ, लेकिन अगर उनका जांच सही होता, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, तो उन लोगों ने कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया था? एफआईआर दर्ज किए होते, कोई एफआईआर दर्ज नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया सीबीआई जांच करें, तब पता चला पब्लिक को कि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। ये फर्ज बनता है मुंबई पुलिस का। आप बोलते हो कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे थे, मुंबई के थे। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के थे, सुशांत सिंह राजपूत 10 साल बिहार में रहे हैं, 10 साल दिल्ली में रहे हैं और कुछ 14 साल, मान लीजिए कि 14 साल रहे हैं वो मुंबई में। आप बोल रहे हो कि 14 साल मुंबई में रहे तो मेरे हो गए। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के हैं, सुशांत सिंह राजपूत महाराष्ट्र के हैं। लेकिन जो लोग कई सालों से, 100 साल से लगभग, 50 साल से, 40 साल से, 20 साल से मुंबई में रह रहे हैं, उनको आप नहीं अपनाते हो, उनको बोलते हो कि उत्तर भारतीय हैं, भगाओ इनको, यूपी बिहार के हैं भगाओ इनको, एमपी के हैं भगाओ इनको, हिमाचल के हैं भगाओ इनको, राजस्थान के हैं भगाओ इनको, केवल महाराष्ट्र के मराठी लोग ही रहेंगे वहाँ पे? क्या वहाँ पे कोई भी रह सकता है? वो इंडिया का पार्ट है, कोई भी इंडियन जाके वहाँ पे रह सकता है। आपकी बातों से झलकता है कि आप का दिमाग संकुचित है, शिवसेना हो या फिर मन से हो, इनका दिमाग संकुचित है। ये लोग महाराष्ट्र में ही उलझे हुए हैं। आप लोगों को ये संकुचित दिमाग खत्म करना होगा। मुंबई का आदमी इंडिया के किसी कोने में जाकर रह सकता है और इंडिया का किसी भी कोने का आदमी मुंबई में आकर रह सकता है। उनको भगाने का, उनको मना करने का हक आपको नहीं है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था, सुशांत सिंह राजपूत 14 साल रहे मुंबई में, तो आप बोल रहे हैं कि वो मुंबई के हैं, महाराष्ट्र के हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कितनी पीढ़ियां महाराष्ट्र में रह गई, कितनी पीढ़ियां मुंबई में रह गई, फिर भी उनको आप बोलते हो कि ये यूपी के हैं, उत्तर भारतीय हैं, बिहार के हैं, एमपी के हैं, हिमाचल के हैं, राजस्थान के हैं, उनको आप भगाते हो। और अभी आप फंसते हुए नजर आ रहे थे मुंबई पुलिस की वजह से, तो आप बोल रहे हो कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे हैं, मुंबई पुलिस उनकी जाँच करेगी। ये सब ना दोहरी नीति अपनाना बंद कीजिए। मैं ठाकरे फैमिली से निवेदन करता हूँ, वो चाहे उद्धव ठाकरे हों, आदित्य ठाकरे हों या राज ठाकरे हों, आप लोग कुछ भी होता है लफड़ा, कुछ भी पंगा होता है, आप लोग ये नहीं देखते कि किसने क्या किया, किसकी गलती है। सीधा उत्तर भारतीय भगाओ, राजस्थानियों को भगाओ, एमपी को भगाओ, हिमाचली भगाओ, ये भगाओ, वो भगाओ, ये गलत बात है। आप कई बार मैंने देखा है कि मराठी लोगों की मिस्टेक होते हैं, फिर भी आप उत्तर भारतीय तो उतर जाते हो कि इनको भगाओ, गलत है हम लोग। मैं ये नहीं बोल रहा कि मराठी लोग गलत हैं, मराठी लोग बहुत सही हैं, लेकिन वैसे मराठी की बात कर रहा हूँ जो पॉलिटिक्स से इंस्पायर है। पॉलिटिशियन के चक्कर में आके वो लोग पंगा करते हैं। वहाँ के मराठी लोगों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी पहचान है। मैं खुद मराठी लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे फैमिली रिलेशन है मराठी लोगों से।
तो मैं मराठी लोगों का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे लोगों का शिकायत कर रहा हूँ जो कि गलत तरीके से उत्तर भारतीय या मराठी के अलावा जो भी लोग मुंबई में रह रहे हैं उनका विरोध करते हैं, वैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। और ख़ास करके ठाकरे फैमिली से मैं की बात कर रहा हूँ, और उनसे मैं निवेदन करूँगा कि अपनी संकुचित दिमाग को अच्छा कीजिए, दिमाग का संतुलन बनाइए, और ये सब विरोध करना कि ये वहाँ का है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, सब इंडियन हैं, और मुंबई भी इंडिया में है, वहाँ भी कोई भी इंडियन आ जा सकता है, और कोई भी मुंबई का इंडिया में कहीं भी आ जा सकता है। आपके रोकने से ना कोई रुकेगा, और ना आपके बुलाने से कोई वहाँ जाएगा, और ना कोई भगाने से आपको कोई भागेगा वहाँ से। कुछ लोगों को भगा दिया आपने कुछ साल पहले, फिर भी वो लोग वापस गए थे, इसका मतलब ये मत समझिए कि वहाँ पे लोग आना जाना बंद कर देंगे, ये कभी संभव नहीं होगा। ये बाल ठाकरे की आने वाली कितनी पीढ़ियाँ निकल जाएगी, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। बाल ठाकरे या उनकी फैमिली, राज ठाकरे हों या बाल ठाकरे हों या उद्धव ठाकरे हों या आदित्य ठाकरे हों, कितनी जनरेशन निकल जाएगी आपकी, लेकिन वहाँ पे आप रोक नहीं सकते हो किसी भी इंडियन को वहाँ पे आने जाने से। सब लोग आएंगे जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे और रहेंगे। आपको ये भी बात बता दूँ कि अगर खाली मराठी लोग रहे ना तो मुंबई मुंबई नहीं रह पाएगा, कुछ नहीं रह पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा मुंबई का, जब तक बाहर के लोग नहीं आएंगे, बाहर के लोग काम नहीं करेंगे। आप उठा के देख लो, किसी भी पोस्ट में, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में बाहर के लोग ही सबसे आगे हैं, बाहर के लोग ही सब कुछ कर रहे हैं, वो चाहे बड़ा से बड़ा पोस्ट हो या छोटा से छोटा पोस्ट हो, बाहर के लोग ही अच्छे उस काम को कर पा रहे हैं, बाहर के लोग ही करते हैं। एक लेबर भी है वो भी बाहर का ही है, IAS ऑफिसर है तो भी बाहर का ही है, बड़ा बड़ा डायरेक्टर है वो भी बाहर का ही है, चाहे साउथ का हो या नॉर्थ का हो या कहीं का भी, सब बाहर के ही। मराठी लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं, मराठी लोग भी हैं, लेकिन जनरली देखा जाए सब बाहर के ही। तो मराठियों का विरोध मैं नहीं कर रहा, मराठी बहुत अच्छे होते हैं, और मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ, और मेरा उनका उनके साथ फैमिली रिलेशन है, लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स से इंस्पायर हैं उनकी बातें कर रहा हूँ मैं। तो खैर छोड़ी, अभी हम लोग को ये भी सुनने में आ रहा है कि कंगना रनौत को संजय राउत या उनकी पार्टी धमकी दे रही है कि आपको मुंबई में नहीं रहने देंगे। तो कंगना रनौत ने बोला कि मुंबई किसी की बाप की नहीं है, 9 सितंबर को मैं आ रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। तो संजय राउत ने बोला था कि महाराष्ट्र के विरोध में जो लोग भी खड़े होंगे उनका मैं श्राद्ध करूँगा। क्या मतलब है आपका श्राद्ध करूँगा? श्राद्ध करने का मतलब समझते हैं आप, उसको जान से मार देना। आप जान से मार दीजिएगा कंगना रनौत को या कोई भी आदमी, आप किसी के खिलाफ बोलते हैं तो सही है, लेकिन आपके खिलाफ कोई बोल दे तो आप उसको जान से मार देंगे, आप उसका श्राद्ध कर देंगे। यही पॉलिटिक्स है आपकी, यही शिवसेना की पॉलिटिक्स है, यही महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है। नहीं, आपको सुधरना पड़ेगा, आपको मानसिक संतुलन बनाना पड़ेगा, आपको मानसिक इलाज की ज़रूरत है। आप बोल रहे हैं कि कंगना को मानसिक इलाज की ज़रूरत है, नहीं, आप लोगों को मानसिक इलाज की ज़रूरत है। कोई भी आदमी मुंबई पुलिस में रिपोर्ट करने जाता है तो अगर वो उत्तर भारतीय है तो मुंबई पुलिस उसका रिपोर्ट जल्दी नहीं लेगी, लेकिन वही मराठी है, गलती भी वही किया है, और उत्तर भारतीय के खिलाफ अगर जाकर रिपोर्ट लिखाता है तो फटाफट रिपोर्ट लिख के, और उत्तर भारतीय किसी भी भारतीय को जो कि मराठी नहीं है आप उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। ये सही है? ये आप लोगों की वजह से ही मुंबई पुलिस ये सब करती है। 100 नंबर पे कोई अगर नंबर डायल करता है तो आप आते हैं वहाँ पे देखने के लिए, अगर आपको पता चलता है कि ये उत्तर भारतीय है, मुंबई पुलिस वहाँ पे आती है, आते हैं। मुंबई पुलिस का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उनका सर्विस बहुत अच्छा है, लेकिन ये उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो ये लोग राजनीति करते हैं ये बहुत ही गलत है। कोई उत्तर भारतीय अगर 100 नंबर कॉल करता है, पुलिस वाले आते हैं वहाँ पे और उसका जांच पड़ताल करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं कि ये दोबारा 100 नंबर पे कॉल ना कर पाए। क्यों ऐसा होता है? आप क्यों नंबर ब्लॉक करते हैं? उत्तर भारतीय को परेशानी नहीं होती? फिर दोबारा उनको 100 नंबर पे कॉल करना होगा तो कैसे करेंगे कॉल?
वो नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, वो कोई संकट में रहते हैं 100 नंबर पर डायल करते हैं, लगता ही नहीं, उनको पूरी लाइफ फिर परेशानी झेलनी पड़ती है। फिर वो जाके कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया गया है, उसको अनब्लॉक किया जाए, तब जाकर अनब्लॉक होता है। चलो ठीक है, अनब्लॉक हो जाता है, लेकिन ब्लॉक क्यों किया गया आपने, क्यों किया आपने? अगर वो कोई आपको बिना कोई मिस्टेक का बुलाया होता तो चलो एक बार के लिए आप उसको ब्लॉक कर देते, ब्लॉक भी नहीं आप उसको पनिशमेंट करते, लेकिन ब्लॉक कर दिया आपने, फिर दोबारा आपको कॉल ही नहीं कर पाएगा। तो ये सब गलत पॉलिटिक्स जो हो रहा है महाराष्ट्र में, ये सब बंद कीजिए आप लोग। वो ठाकरे फैमिली हो या कोई भी हो, पवार फैमिली हो या संजय राउत हो या महाराष्ट्र का कोई भी पॉलिटिशियन जो कि गलत राजनीति कर रहा है, उनको ये सब बंद करना होगा। उनको अपना दिमाग का संतुलन अच्छा करना होगा। और मैं ये भी बात बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे मुंबई में और महाराष्ट्र में ना नेशनल पार्टी का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये सब डोमेस्टिक पार्टी है, ये राज्य स्तर के पार्टी हैं, इनका कोई ये राज्य स्तर तक इनका दिमाग संकुचित है और वही की सोच रखते हैं ये। और वहाँ पे जरूरत है नेशनल पार्टी का, जैसे कि बीजेपी है, केवल बीजेपी, कांग्रेस है तो केवल कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल है तो केवल अरविंद केजरीवाल। वहाँ का जो लोकल पार्टी है वो सब नहीं होना चाहिए वहाँ पे सरकार बनाने के लिए। ये लोग नेशनल पार्टी के जो हैं, केजरीवाल भले ही नेशनल पार्टी नहीं है लेकिन उनको भी शायद दर्जा मिल गया है नेशनल पार्टी का, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, आप ये तीन का वहाँ पे सरकार बने तो जाके महाराष्ट्र और मुंबई को अच्छे से चलाया जा सकता है। कोई भी लोकल राजनेता वहाँ का महाराष्ट्र को सही से नहीं चला सकता है, क्योंकि उनका दिमाग संकुचित है और वो लोग केवल महाराष्ट्रीयन लोगों का या मराठी लोगों का सपोर्ट करते हैं, और वहाँ पे पूरे इंडिया के लोग रहते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री है या और भी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए वहाँ पूरे इंडिया के लोग रहते हैं और ये लोग केवल मराठी का सपोर्ट, तो मराठी ये, मराठी वो, उत्तर भारतीय को भगाओ, ये करो वो करो, उल्टे सीधे हरकत करते हैं लोग। तो इसके लिए ज़रूरत है आपको वहाँ पे कोई नेशनल पार्टी का सरकार बने तो जाके ठीक रहेगा। तो खैर, अभी कंगना रनौत 9 सितंबर को आ रही है और उन्होंने चैलेंज किया है, कोई रोक सको तो रोक लो, मैं आ रही हूँ 9 सितंबर को एयरपोर्ट पे, टाइमिंग भी बताऊंगी, और कोई रोक सको तो रोक लो। तो संजय राउत ने बोला है कि मैं उनका श्राद्ध कर लूँगा। श्राद्ध करने का मतलब समझते हैं, कोई मर जाता है तो फिर उसका श्राद्ध किया जाता है। आप किसी को कुछ भी बोल देंगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप एक राजनेता हैं, आप एक राज्य को क्या बोलते हैं उसको, आप एक राज्य के राजा हैं, और आपका फर्ज बनता है कि वहाँ के हर एक जनता का आपका ख्याल रखना है। आप बोल रहे हैं कि हिमाचल की पुलिस वहाँ पे आकर सपोर्ट करेगी, तो ये करेगी वो करेगी, फालतू का राजनीति कर रहे हैं आप। आप बोल रहे हो कि कंगना रनौत किसी पार्टी का सपोर्ट है, आप बोल रहे हो कि कंगना रनौत को बीजेपी का सपोर्ट है, तो क्या दिक्कत है? आपको भी तो सपोर्ट है शिवसेना का। शिवसेना अगर आपको सपोर्ट करना छोड़ दे तो आप गली के कुत्ता भी नहीं रह पाओगे। कंगना रनौत को सपोर्ट है तो क्या प्रॉब्लम है? नरेंद्र मोदी का सपोर्ट है तो क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी का सपोर्ट है तो क्या प्रॉब्लम है? सपोर्ट है और बोल रही है तो अच्छा बोल रही है, अच्छा कर रही है, उसको बहुत सताया गया है, तो चाहे फिल्म इंडस्ट्री वाले हों या राजनीति वाले हों, बहुत सताए हैं उनको, बहुत सताई हुई है, इसलिए वो बोल रही है। और सपोर्ट है तो अच्छी बात है, सपोर्ट नहीं होता तो आप उसको, आप तो सपोर्ट है तो आप बोल रहे हैं श्राद्ध कर दूंगा, सपोर्ट नहीं होता तो आप क्या करते? तो आपको अपने आप में संतुलन बनाने की ज़रूरत है, आपको इलाज की ज़रूरत है, आप इलाज करवाइए और अपना दिमाग का संतुलन बनाइए और सबको अपना समझिए। इंडिया आपका है तो ही जाके आपका कल्याण है। इंडिया आपका है, इंडियन आपके हैं, और मुंबई और महाराष्ट्र में कोई भी रहे वो आपका है, ये सोच रखिएगा, तब जाके आपका वहाँ पे सरकार चलेगा, या फिर कोई भी आप बात बोलिएगा तो वो बात आपको सब कोई मानेगा। आज नरेंद्र मोदी कोई भी बात बोलते हैं लोग क्यों मानता है? क्योंकि सबको अपना समझते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि केवल गुजरात मेरा है, बाकी तो कोई मेरा है ही नहीं, पूरे इंडिया को अपना मानते हैं वो, तब जाके आज नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि थाली बजाओ तो पूरी पब्लिक थाली बजाती है।
दिया जलाओ तो दीपावली ना होते हुए पूरी पब्लिक दिवाली मनाती है। तो ये होता है सोच, ये होता है अच्छा सोच, ये जिसको बोलते हैं नरेंद्र मोदी। तो आप भी अगर चाहते हैं कि अच्छी राजनीति करें तो आपको भी यही सोच रखना पड़ेगा, और यही सोच रखिएगा तो आप भी बोलिएगा ना कि ताली बजाओ तो पूरी पब्लिक ताली बजाएगी, थाली बजाओ तो पूरी पब्लिक थाली बजाएगी। तो ये तो था छोटा सा एक ट्रेलर ठाकरे फैमिली शिवसेना मनसे पे, या जो भी संकुचित दिमाग वाले हैं महाराष्ट्र में उनके लिए अभी फिल्म भी आ सकता है इस पर। तो इसलिए ज़रूरत है आपको कि दोहरी नीति छोड़ के और अच्छा स्वभाव अपनाएं, सबको अपना माने, तब जाके ही कल्याण होगा आपका या आपकी राजनीति का। और आप संकुचित दिमाग रखेंगे तो आपका आने वाला कल जो है खराब हो रहा है। ब्रॉड माइंडेड रखिए तो आपके लिए सही है, और आपकी राजनीति के लिए भी सही है, आपके फ्यूचर के लिए सही है, आपके आने वाले जनरेशन के लिए सही है। ठीक है, तो अब आते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस पे। चूंकि रिया चक्रवर्ती इसमें मेन एक्यूज्ड हैं, उनके साथ 5 और लोग भी हैं, शोविक चक्रवर्ती और भी 4 लोग और हैं। तो इसमें CBI जांच कर रही थी, ये झूठ पे झूठ बोले जा रही थी और पूरा एकदम कड़क होकर बोल रही थी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी। क्योंकि ठाकरे फैमिली का इनका 60-गांठ है, और 60-गांठ नहीं होता तो मुंबई पुलिस FIR दर्ज करती। मुंबई पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं किया, कोई केस नहीं बनाया, ऐसे ही पूछताछ करे जा रही है। 51-50 लोगों से पूछताछ कर लिया, FIR ही दर्ज नहीं है आपका। किस बात का पूछताछ कर रहे हैं जब FIR दर्ज नहीं है तो? और संजय राउत उनका ही सपोर्ट कर रहे हैं। CBI जांच अभी कर रही है, और CBI जांच के दौरान पता चला कि इसमें मतलब रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव किया गया, तब जाकर पता चला कि इसमें ड्रग्स कनेक्शन है। सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया जाता था, और ये प्लानिंग करके एक बार या एक दिन का ये काम नहीं है। ये सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या हो या हत्या हो, ये एक दिन की बात नहीं है, ये कई महीनों से प्लानिंग चल रहा था। इसमें महेश भट्ट का भी नाम आ रहा है, और हो सकता है इनका हाथ भी हो। क्योंकि कोई भी एक आदमी है जो कि रिया चक्रवर्ती को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल किया, उनको उसके पास भेजा, उनको बर्बाद कर देना है, इसलिए वो धीरे धीरे ड्रग्स का लत लगाई या और भी बुरी आदतों का लत लगाई उनको, और धीरे धीरे प्लानिंग करके ये मारने का प्लानिंग था। तो इस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने अपने प्लान में सक्सेस हुई, लेकिन अभी फंसती हुई नजर आ रही है, और हो सकता है कि किसी बड़े आदमी का भी नाम खुलासा हो सकता है, उनसे भी पूछताछ हो सकती है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अभी ड्रग्स मामले में शोविक चक्रवर्ती का गिरफ्तारी हो चुका है, ऐसे से सैमुअल मिरिंडा और भी बहुत सारे जो ड्रग्स पैडलर हैं उनका गिरफ्तारी हो रहा है, और रिया चक्रवर्ती का भी गिरफ्तारी हो सकता है NCB के थ्रू। चूँकि ड्रग्स मामला में इनके भाई ने सारा चीज़ कबूल कर लिया, सारे गुनाह कबूल कर लिया कि हाँ मैं ड्रग्स लेता था, लेके आता था, दीदी के कहने पे ड्रग्स लेके आता था सुशांत के लिए, या ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं जिसकी वजह से शोविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। और उनको मेडिकल टेस्ट करने के बाद उनको रिमांड पे भेजा गया है। तो रिया चक्रवर्ती का भी गिरफ्तारी हो सकता है इन्हीं सबूतों के आधार पे। अभी ED जांच करेगी वो 15 करोड़ का क्या है, CBI जांच करेगी कि सुशांत सिंह राजपूत का अगर हत्या है या आत्महत्या है तो उसमें रिया चक्रवर्ती का कितना हाथ है, ये भी अभी जांच होगा। इसके लिए अब जब इनका गिरफ्तारी हो जाता है तो इनको पूछताछ करना होगा, अगर इनको बुलाना होगा तो इनको कोर्ट से ऑर्डर लेके बुला के फिर पूछताछ करना होगा, और इनका हाथ होता है तो NDPS एक्ट के तहत जो सजा होगा वो अलग होगा, और 302 या अगर हो सकता है कि साजिश का अगर होता है तो साजिश
मर्डर का साजिश के तहत उनको सजा मिल सकता है। दोनों अलग अलग सजा काटना होगा, ड्रग्स का अलग और ये जो हत्या का जो है आरोप इसका अलग, और मनी लॉन्ड्रिंग का है इसका भी अलग हो सकता है, ये साथ कंबाइन भी हो सकता है। तो ये जज के ऊपर है कि जज क्या बोलता है उसके हिसाब से उनको सजा मिलेगा। 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हुआ था उसके बाद ये सुसाइड का मामला क्या है, हत्या है या आत्महत्या है ये भी पता नहीं था, सुसाइड का मामला चल रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद नेपोटिज्म, डिप्रेशन, तो क्या क्या बातें की, ये बात भी सही है कि नेपोटिज्म तो है बॉलीवुड में, खास करके सलमान खान ग्रुप का ले लीजिए, करण जौहर का ग्रुप का ले लीजिए, तो यश चोपड़ा का ग्रुप ले लीजिए, इन सबों ने अपना अपना ग्रुप बनाया है और अपने ग्रुप के लोगों को ये लोग प्रमोट करते हैं। अभी देखिए सलमान खान ने जैकलिन फर्नांडिस को प्रमोट किया, कैटरीना कैफ को प्रमोट किया, ऐश्वर्या राय को प्रमोट किया, जरीन खान को किया, डेजी शाह को किया, ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रमोट किया, आयुष शर्मा को प्रमोट किया। तो जिसको जहाँ तक सक्सेस मिलने वाला था मिला, उसको नहीं मिलने वाला था नहीं मिला, और कुछ दिनों बाद कुछ लोगों का वो सपोर्ट छोड़ भी देते हैं। सलमान खान ने बहुत लोगों को सपोर्ट भी किया है और इस सपोर्ट की वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को नेपोटिज्म का शिकार भी होना पड़ा, टैलेंटेड होने के बाद भी उनको काम नहीं मिल पाया, तो जो उनके सपोर्ट में थे उनको काम मिला। तो ये नेपोटिज्म भी है बॉलीवुड में। अब थोड़ी सी बात करेंगे ड्रग्स पे, तो ड्रग्स के शिकार तो बॉलीवुड के ज़्यादातर लोग हैं, ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन अभी तक जाँच के घेरे में कोई आया नहीं था। तो इस केस की वजह से ही NCB जांच कर रही है और उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ड्रग्स मामले में भी पकड़े जाएंगे। शौविक चक्रवर्ती का गिरफ्तारी हो चुका है, 9 सितंबर तक इनको रिमांड पर लिया गया है। सैमुअल मिरिंडा और इनके साथ टोटल 7 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है और इसी सबूतों के आधार पर और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। और ये जो अभी गिरफ्तार हो सकते हैं, अब बात करते हैं कि रिया चक्रवर्ती को 15 करोड़ गबन करने का आरोप लगा है, तो ये बात भी सत्य हो सकता है क्योंकि रिया चक्रवर्ती खुद डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, ना करवाई है, वो किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और उसके अकाउंट से किसी बहाने से रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में आया, सुशांत के अकाउंट से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है किसी बहाने से, और उस आदमी के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती का अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुआ है। इस तरीके से ये एक मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे जरिया हैं जिसके थ्रू रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के पैसों का गबन किए, पूजा पाठ के लिए लाखों लाख रुपया उड़ा दी है, यूरोप टूर में कई करोड़ रुपया खर्च हुआ है, कोई भी टूर पर जाता है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाता है या हस्बैंड वाइफ जाता है, तो ये अपने भाई को लेके क्यों गए समझ में नहीं आ रहा है। हर जगह पे भाई को शामिल किए है, ड्रग्स में भाई है, पैसों को गबन में भाई है, मर्डर में भी भाई है, इसलिए गिरफ्तारी होगी तो भाई का भी होगा। सुशांत सिंह राजपूत 3 कंपनी चला रहे हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, दूसरा एक NGO है और एक और कंपनी थी, और उसमें से 2 कंपनी में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती डायरेक्टर है। सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम है लेकिन वो दोनों का भी नाम है, और तीसरी कंपनी में एक जैसे कि रिक्वायरमेंट होता है फंड रेजर का और चेयरमैन का, तो उसमें से एक नाम शौविक चक्रवर्ती का भी है जो कि गुड़गांव बेस्ड NGO है। तो ऐसे इतने अंदर तक घुस गए थे वो लोग कि उसको बर्बाद करने के प्लानिंग पहले से करके, और इतने अंदर तक घुस गए थे वो लोग कि वहां से सुशांत का निकलना मुश्किल हो पा रहा था।
तब लास्ट में जाकर वो 8 जून को स्ट्रिक्टली रिया चक्रवर्ती को बोले कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस बात से नाराज होकर रिया चक्रवर्ती उनको ख़त्म करने का प्लान तो पहले से चल रहा था, और 8 से 14 जून के बीच में उन्होंने फटाफट करके इनको ख़त्म किया। चूँकि रिया चक्रवर्ती इनके सारे स्टाफ चेंज कर चुकी थी, पहले जो भी स्टाफ थे, कुक थे, इनके हाउस में जितने भी लोग, सबको हटाकर अपने हिसाब से स्टाफ कर ली थी रिया चक्रवर्ती। सब लोग इनके हाथ में थे और प्लानिंग करके इन्होंने हत्या करवाया है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, हो सकता है आत्महत्या हो, लेकिन संदेह जा रहा है कि ये हत्या ही है और रिया चक्रवर्ती ने किया है या करवाया है। अगर आत्महत्या भी होगा तो भी रिया चक्रवर्ती पे आरोप जाएगा कि उन्होंने उकसाया, ड्रग्स का लत लगाया। तो हर तरीके से रिया चक्रवर्ती फंसते हुए नजर आ रही है और वही फंसेगी, और उन्होंने किया है ये। धीरे धीरे सबूत मिल रहा है, ड्रग्स मामले में मिला, मनी लॉन्ड्रिंग में मिल रहा है, और सारे चीज़ों को इकट्ठा किया जाएगा तो लास्ट में पता चलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती, उनकी फैमिली और उनकी टीम ने ही मारा है, और उसके ऊपर भी किसी का हाथ हो सकता है तो उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, वो चाहे भट्ट फैमिली हो या कोई भी। कोई भी फिल्म करने के लिए जनरली लड़के लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। चूँकि रिया चक्रवर्ती का फर्स्ट फिल्म था मेरे डैड की मारुति, यशराज फिल्म्स ने बनाई थी, तो वहाँ पे उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा होगा। और उसके बाद और भी बहुत सारी फिल्में आई रिया चक्रवर्ती की जहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज की होगी, कन्फर्म है। उसके बाद जाके ये इससे कनेक्शन लगाई राजपूत से, चूँकि राजपूत बहुत बड़े एक्टर बन रहे थे, उभर रहे थे धीरे धीरे, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को टक्कर दे रहे थे। तो इसने सोचा कि 20 लोगों के साथ सोने से अच्छा है कि एक के साथ सो। वो थे सुशांत सिंह राजपूत, और उनको ऐसे जाल में फंसाई कि उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ गई और उनके हाउस पार्टनर बन गई। अपनी उनकी फैमिली को बोली कि मुझे अडॉप्ट कर ली, उनकी बहनों को बोली, उनकी बहनों से दोस्ती बनाई स्टार्टिंग में, और उनकी फैमिली में घुस गई, उनके साथ रहने लगी। और ये अपनी पूरी प्लानिंग करके पूरे धन संपत्ति हड़प के और उनके साथ फिल्में करना चाह रही थी। हो सकता है कि उसका नियत सही भी हो स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे उसका नियत बदला होगा। सोची होगी कि ये मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं, या हो सकता है कि प्लानिंग हो। तो ये अभी सीबीआई जांच कर रही है, ये पता चलेगा। उनकी फैमिली का बयान भी पटना पुलिस ने दर्ज किया है, तो उन लोगों ने बताया है कि स्टार्टिंग में ये हमसे बहुत अच्छी दोस्ती करती थी, कर रही थी, धीरे धीरे बना रही थी दोस्ती, सभी बहनों को फैमिली को मिलाना चाह रही थी, और स्टार्टिंग में फैमिली को एक बना के और फिर हमारे फैमिली में घुस गई, हमारे भाई के साथ रहने लगी, और फिर बाद में हमसे झगड़ा करने लगी, फैमिली से झगड़ा करके फैमिली को अलग करने लगी, फैमिली को अलग करके सुशांत को अकेला कर दी। तब जाके सुशांत उससे उबने के बाद उनको लगा, सुशांत को लगा कि हमारी फैमिली को अलग कर रही है, ये खुद करीब आ रही है और ये खुद मुझे बेवकूफ़ बना रही है, पैसे लूट रही है, ड्रग्स दे रही है, गलत काम कर रही है मेरे साथ। तो इन्होंने फिर 8 जून को उसको जाने के लिए बोला। सीबीआई जांच कर रही है, इसका पता चलेगा, हकीकत क्या है तो पता चलेगा। अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो कुछ दिन पहले का वीडियो है, तो आइए अभी आगे बात करते हैं। अभी रिया चक्रवर्ती जेल से रिहा हो चुकी है, शोविक चक्रवर्ती जेल से रिहा हो चुके हैं, सीबीआई जांच अपनी कंटिन्यू कर रही है, ईडी का भी जांच चल रहा है, एनसीबी का भी जांच चल रहा है। एनसीबी ने ये पता लगा लिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास ड्रग्स कहां से पहुंचता था, रिया चक्रवर्ती के थ्रू, अनुज केशवानी के थ्रू, या ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो एक के बाद कड़ी जुड़ता गया और पता चलता चला गया कि कौन सा फाइनल कहां से आता था केस, हिमाचल से आता था, जो कि सीबीआई एनसीबी ने पता लगा लिया है।
सीबीआई अपनी जांच कर रही है, कुछ दिन के लिए केस को ठप किया गया लेकिन अभी कंटिन्यू जांच चल रहा है। और मैं कुछ टाइम पहले ये भी बात किया था कि वो आने वाली है कंगना रनौत, तो कंगना रनौत भी आई, और जब वो आई तो उस समय शिवसेना और उनके पार्टी ने मिलकर बीएमसी की हेल्प से क्या किया कि उनके घर को डिमोलाइज किया, जो 3 फ्लोर था खार में उसको भी डिमोलाइज करने का नोटिस दिया गया, लेकिन वो डिमोलाइज नहीं हुआ। चूंकि शिवसेना का बहुत सारा लोगों ने भर्त्सना किया था, शिकायत किया, आदित्य ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का, संजय राउत का, पूरी टीम का लोगों ने शिकायत किया कि ये कितना हरकत कर रहे हैं, एक लड़की को अब इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो जो खार में घर था उसको नहीं गया गया, लेकिन उनका जो बिल्डिंग था जो कि पाली हिल्स में था उसको डिमोलाइज कर दिया गया, जिससे 2 करोड़ का ऑलमोस्ट नुकसान हुआ है कंगना रनौत को। और उन्होंने हाईकोर्ट में फाइल किया है कि बीएमसी इनका हर्जाना भरे। इस तरीके से ये केस भी अभी चल रहा है, और सुशांत सिंह राजपूत का भी केस चल रहा है, वो उसमें भी सीबीआई जांच अपनी कंटिन्यू कर रही है। तो उसके बाद हम लोग ये भी बात करेंगे कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल इशू की वजह से, तारक मेहता का उल्टा का चश्मा जो जिसके राइटर थे, उनका फाइनेंशियल इशू की वजह से सुसाइड कर लेना, उसके बाद क्या नाम है इनका, आर्या बनर्जी का सुसाइड कर लेना, या ऐसे बहुत सारे लोगों का सुसाइड करना जो कि फेमस स्टार है उनका तो हम लोगों को पता चल गया, जो स्टार नहीं है ऐसे बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है। कौन सा जगह है, महाराष्ट्र में ही एक जगह है, वहाँ पे एक सुशांत सिंह राजपूत का फैन ने सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत सारे फैन हैं सुशांत सिंह राजपूत के जो सुसाइड कर लिए सुशांत सिंह राजपूत से इंस्पायर्ड होके, और जो स्टार हैं या जो स्ट्रगल कर रहे थे लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के बाद जो लॉकडाउन लगा उसके दौरान ऐसे बहुत सारे स्ट्रगलर एक्टर जो थे मुंबई में, फाइनेंशियल इशू की वजह से उन लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, जो कि न्यूज़ में नहीं आया, आम जनता को पता नहीं चला, जो कि थोड़ा बहुत स्टार थे उनका पता चल पाया, उनको भी फाइनेंशियल इशू हुआ, उनको भी प्रॉब्लम हुआ। उसमें सबसे बड़ा नाम आया अभी तक का आर्या बनर्जी का, जो कि लव सेक्स धोखा और द डर्टी पिक्चर में विद्या बालन के साथ काम कर चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे, एक बसरा जी भी हैं, उन्होंने भी सुसाइड किया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया ये लॉकडाउन कोरोना के बाद। उसके बाद कुछ स्टार कास्ट हैं लाइक ऋषि कपूर, लॉकडाउन में कैंसर का इलाज सही से नहीं हो पाया, इंडिया में कैंसर का इलाज का सही से सिस्टम नहीं है या फिर उसका इलाज सही से नहीं हो पा रहा है। अमेरिका में उनका इलाज चल रहा था लॉकडाउन में, ये अमेरिका नहीं जा पाए और यहीं पे इलाज कराना पड़ा और उनका देहांत हो गया। उसके बाद इरफान पठान, ऐसे बहुत सारे एक्टर थे जो कि लॉकडाउन के दौरान किसी ना किसी कारण से, किसी बीमारी से या किसी प्रॉब्लम से, किसी समस्या से उनका देहांत हो गया। तो ये लॉकडाउन और कोरोना हमारे समाज के लिए, हमारे बॉलीवुड के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहा और बहुत ही नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया, लेकिन पूरा बॉलीवुड इससे लड़ता रहा, कंटिन्यू लड़ते लड़ते हम लोग इससे बाहर आ चुके हैं, और अभी लगभग ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, कोरोना का वैक्सीन आ चुका है जो कि बहुत जल्द ही सबको पड़ने वाला है। इसका वैक्सीन ऑलमोस्ट उम्मीद करता हूँ कि मार्च के आसपास से सबको इसका वैक्सीन लगेगा और बहुत जल्द सारा समस्या ख़त्म हो जाएगा और फिर से बॉलीवुड अपना रास्ता पकड़ लेगा, जैसा एक चमकता सितारा था जो उसमें थे सब लोग, वो सब फिर चमकता सितारा बन जाएंगे और बॉलीवुड अपने जो पहले था उससे बेहतर बन के उभर के आएगा। और पहले मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि लॉकडाउन और कोरोना के बाद बॉलीवुड में क्या होने वाला है, कि स्टार कास्ट हो सकता है कि अपने पैसे कम करेंगे, फिल्मों को रिलीज करने के लिए प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाएगा, वो जो मैंने बताया था वो हो भी रहा है। अगर अभी आप लोग देख सकते हैं लक्ष्मी बॉम्ब, कुली नंबर 1, या इस तरीके से सड़क 2, दिल बेचारा, ऐसी बहुत सारी फिल्में OTT पर रिलीज हुई और अच्छी कमाई की।
और ऐसा कंटिन्यू हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो बड़े फिल्म मेकर हैं लाइक करण जौहर, यश चोपड़ा, ये लोग पैसों का डिमांड करेंगे कि हाँ मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, बार्गेनिंग करके वो लोग ज़्यादा पैसे लेने का कोशिश करेंगे, और वही हुआ। लेकिन जो छोटे फिल्म मतलब फिल्म मेकर हैं, जो कि नए नए फिल्म मेकर हैं, उनके साथ OTT वाले बार्गेनिंग करेंगे कि मैं आपको कम पैसे दूंगा, मैं आपको इतने दूंगा, इतने दूंगा, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, फिल्म रिलीज करना है, फिल्म बनाए इतने पैसे लगा के तो रिलीज करना है उसको, तो वो मजबूरी बस जो पैसे लगाए हैं उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है वो फिल्म को OTT को बेच देते हैं। उसी तरीके से वेब सीरीज में भी हुआ, सीरियल्स में हुआ, ऐसे बहुत सारे TV चैनल हैं जो कि काफ़ी नुकसान में चल रहे हैं। TRP तो बढ़ा, बहुत सारे लोगों का TRP बढ़ा, जो लोग कभी लैपटॉप मोबाइल पे बैठा करते थे वो सब लोग TV पे आ चुके हैं। रामायण महाभारत का क्या हाल हुआ, क्या अच्छा TRP मिला, आप लोगों ने देखा, आप लोगों को सबको पता है ये बात। उसी तरीके से बाकी चैनल को भी, स्टार प्लस, GTV, सोनी, कलर्स, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिनको अच्छा TRP मिला, और लॉकडाउन में कोरोना के बाद उनको अच्छा कमाई का सोर्स मिल गया, अच्छा एड्स, अच्छे पैसे मिलने लगे। तो TV सीरियल्स वाले के लिए, कुछ चैनल के लिए बहुत अच्छा रहा, कुछ चैनल को बंद करना पड़ गया, कुछ चैनल को टाई अप करना पड़ा दूसरे लोगों के साथ, कुछ प्रोडक्शन के साथ, कुछ अलग चैनल वालों के साथ, कैसे भी करके अपना वो लोग निकले इस पैंडेमिक से, और कुछ लोग के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिशियल साबित हुआ। तो इस तरीके से जो भी रहा, करते धरते हम लोग इस लॉकडाउन से और इस कोरोना काल से हम लोग निकल चुके हैं, और अभी इसका वैक्सीन अभी आ चुका है, बहुत जल्द सबको पड़ेगा भी, और इससे निपटारा भी मिलेगा। आइए अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत का केस CBI जांच पड़ताल करके बंद करके दिल्ली चली गई थी, फिर से इसको जांच का जो है जरिया फिर से इसको चालू किया जाएगा। अभी अब जो जांच किया जाएगा इसको 302 केस FIR मतलब फाइल किया जाएगा, और 302 के आधार पे जांच किया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि 302 ये मर्डर का केस होता है, कि जो भी इस केस में जिसका भी नाम है उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया जाएगा। 302 धारा 302 ये बताता है हमें कि उस आदमी ने इसका मर्डर किया, तो जो भी जिसका भी नाम होगा इसमें, रिया चक्रवर्ती का हो या शौरिक चक्रवर्ती का हो या कोई भी नाम, जिसका भी नाम होगा इस केस में, उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा और उनकी कोर्ट में पेशी होगी। वो लोग जेल जा चुके हैं, अभी NCB ने उनको जेल भेजा है, ड्रग्स के मामले में वो लोग जेल गए हैं, और रिया चक्रवर्ती का भी और शौरिक चक्रवर्ती का भी बेल हो चुका है, लेकिन अभी भी खेल बाकी है, मर्डर का खेल, मर्डर का केस। तो 302 चार्ज अभी उनके ऊपर लगेगा, उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उनको अभी ये भी है कि वो हिंदुस्तान से बाहर अभी नहीं जा सकते हैं, तो जब भी तारीख पड़ेगा तो उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। 302 का जब तारीख चलने लगेगा तो उसके बाद गवाही होगी, गवाही में जो भी केस FIR किया है, KK सिंह ने FIR किया है, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने पटना में FIR किया था, और उसको मुंबई ट्रांसफ़र किया गया मुंबई पुलिस के पास, और फिर मुंबई पुलिस से इसको CBI को ट्रांसफ़र किया गया है, और CBI से इस केस, CBI के जरिए इस केस को कोर्ट में लाया जाएगा, और कोर्ट में रिया चक्रवर्ती, शोएब चक्रवर्ती और जिसके भी नाम है उस केस में उनको पेश होना पड़ेगा, और फिर गवाही चलेगी। गवाही में जितने भी गवाह होंगे सबका एक के बाद एक, एक के बाद एक इस केस में पेशी होगी, गवाही होगी, कौन क्या बोलता है कि हम मैंने क्या देखा, रिया ने मारा था या सुशांत सिंह राजपूत ने खुद सुसाइड किया था, या रिया ने उकसाया था, या रिया ने प्लानिंग किया था, रिया शौविक ने मिलके ड्रग्स का लत लगाया था ताकि इसको हम लोग इस जाल में, इस तरीके से जाल में फंसा दें कि ये खुद सुसाइड कर ले। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं, मतलब ढूंढने की कोशिश किया जाएगा कोर्ट में, बहुत सारे रीजन देखा जाएगा कि किसका बात सच है, क्या सच्चाई है, तब जाके फाइनल डिसीजन पे निकलेगा। और इसमें जितने भी गवाह होंगे सबका गवाही होगा, इसके जो डॉक्टर है पोस्टमार्टम जिन्होंने किया उनका भी, कोपर जो हॉस्पिटल है उसके जो डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया उनका भी गवाही होगा, जो केस का IO था जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनका भी गवाही होगा, और पूरी गवाही होने के बाद जज डिसाइड करेंगे कि इस केस में कौन दोषी है, कौन निर्दोष है,
या साजिश किसने किया है, किसने साजिश नहीं किया है, किसको फंसाया जा रहा है, फिर जाके सजा सुनाया जाएगा या किसी को रिहा किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि सजा होता है तो इसमें फांसी से लेके, मतलब मैं आप लोग बता दूं कि 14 साल से लेके फांसी तक का सजा है। तो ये डिपेंड करता है कि गवाही कैसा है, कैसा एविडेंस मिलता है, उसके आधार पे सजा सुनाया जाएगा रिया चक्रवर्ती को या फिर शौविक चक्रवर्ती को या जिसके भी नाम है, या फिर हो सकता है कि वो लोग रिहा भी हो जाएं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा है कि उनको सजा सुनाया ही जाएगा, लेकिन अगर सजा होती है तो 14 साल से लेकर फांसी तक का सजा हो सकता है। इसमें 14 साल का सजा होता है जो कि 7 साल सजा काटने के बाद उनको रिहाई मिल सकती है, वो लोग अपील बेल फाइल कर सकते हैं। लेकिन एक फेमस सेलिब्रिटी हैं वो लोग, उनकी अप्रोच अच्छे होंगे तो हो सकता है कि 3 साल 5 साल या फिर और भी पहले या फिर 6 साल 7 साल में उनको रिहाई मिल सकती है, या फिर हो सकता है कि आजीवन कारावास हो या फिर आजीवन कारावास टिल डेथ, मतलब जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जेल में ही रहना होगा, या आजीवन कारावास होता है जो कि 20 साल का सजा होता है तो ये भी सजा हो सकता है, या फिर फांसी का सजा भी हो सकता है। अगर एविडेंस अच्छे मिल गए तो उनको फांसी का सजा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, फांसी का सजा नहीं होगा। सारे प्रूफ मिलने के बाद भी उनको 14 साल का सजा सुनाया जाएगा, ये मेरा मानना है। और मैं बाकी जज के ऊपर डिपेंड करता है और गवाह के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी गवाही होती है, उसके बाद फिर जज क्या डिसीजन निकालते हैं, कौन दोषी है कौन निर्दोष है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी बोल नहीं सकता, मैं जजमेंट नहीं दे सकता कि किसको क्या होगा, किसके साथ क्या होगा, ये समय आने पे पता चलेगा सबको। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब कंगना रनौत मुंबई जा रही थी तो बीजेपी ने सपोर्ट किया था, उनको वाईवन सिक्योरिटी प्रदान की गई थी, तब से ये हो हल्ला हो गया कि कंगना रनौत बीजेपी के सपोर्ट में है और बीजेपी कंगना रनौत के सपोर्ट में है। चलो अच्छी बात है, और ये सुनने में भी आया था और दिख भी रहा है, जनता को भी दिख रहा है। तो उसके बाद फिर किसान बिल आया, किसान बिल आने के बाद कंगना रनौत ने किसान बिल का सपोर्ट किया, कंगना सपोर्ट किया, तो उसके बाद जो कि अकाली दल है पंजाब का एक पार्टी, उन लोगों ने क्या किया कि उनका टाइप था बीजेपी के साथ, उन लोगों ने टाइप को तोड़ दिया, गठबंधन को तोड़ दिया और वो लोग बीजेपी से अलग होकर अपना अलग अपना पार्टी बना लिया और अपना अलग सिस्टम करने लगे वो किसान बिल के वजह से। और उन लोगों ने क्या किया कि किसान बिल के विरोध में आंदोलन चालू कर दिया। आंदोलन तो चलता रहा, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, फिल्म स्टार बोलिए या फिर नेता बोलिए या फिर आम जनता बोलिए, कि दो पार्ट में बैठ गया, एक जो कि पार्टी भी है बहुत सारे लोग, एक जो कि किसान बिल के सपोर्ट में है और दूसरा ये जो कि किसान बिल के विपक्ष में है। तो उसी में कंगना रनौत शामिल हो गई और किसान बिल के विपक्ष में आ गए दिलजीत दोसांझ और उनके साथ मिक्का सिंह, एक के बाद एक लोग इसमें आते गए। तो अभी ये पंगा भी चल रहा है कि दिलजीत ने बहुत उल्ट सीधे कंगना को जवाब दिया, कंगना ने बोला था कि पूरी बॉलीवुड शिवसेना ने कुछ नहीं उखाड़ पाया, पूरे मुंबई कुछ नहीं कर पाई तो तू क्या कर लेगा। तो दिलजीत ने इस पर बहुत ही उल्टी बातें कही थी कि तूने एक जट से पंगा लिया है, तुझे उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, या ऐसी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें की जो कि आप लोग को शायद पता भी होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग जान लीजिए कि बहुत उल्टी सीधी बातें की थी कंगना रनौत के खिलाफ दिलजीत दोसांझ ने, उसके बाद मिक्का सिंह ने भी कुछ बातें कही थी। तो ये अभी मतलब एक के बाद एक मतलब नज़ारा चलता ही जा रहा है, खेल चलता ही जा रहा है, और कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का, तो वही शायद चल रहा है अभी बॉलीवुड में। कंगना रनौत बहुत सारे फिल्मों का अनाउंसमेंट कर चुकी है, लेकिन इस लॉकडाउन और कोरोना की वजह से उनका शूट नहीं हो पा रहा है, ऐसी बैठी हुई है। दिलजीत के पास भी कुछ काम नहीं है, या फिर ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड स्टार हैं जिनके पास काम नहीं है और वो बैठे हुए हैं, और यही सब चल रहा है राजनीति। इसके पहले ऐसा देखने को कहाँ मिला, बहुत कम देखने को मिलता था और कुछ होता भी था
तो उस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लोग बोले और फिर उसको तुरंत ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन अभी अगर कोई भी बात कोई बोल रहा है, कोई स्टारकास्ट, तो उस बात को इतना हवा दे दिया जा रहा है, उसकी राजनीति होने लग रही है, उसका जो मतलब सरकार किसका है वहाँ तक तो बात पहुँच जा रही है, विपक्ष में कौन है वो उसके जो उसके विपक्ष में है वो विपक्ष वाले उसके साथ खड़े हो जा रहे हैं, सपोर्ट में है तो सरकार उसके साथ खड़ी हो जा रही है, और बात बहुत आगे तक चली जा रही है। तो ये अभी सब लोग खाली बैठे हुए हैं, इसके वजह से वो हो रहा है। तो जो स्टार हैं उनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, वो कंटिन्यू अपना फिल्म करें या नहीं करें उनके पास पैसे तो आते ही रहेंगे और पैसे आ भी रहे हैं। लेकिन जो स्टार नहीं है, जो कुछ काम कर चुके हैं, जो कुछ फिल्में कर चुके हैं, जो कुछ सीरियल कर चुके हैं, जो वनडे टूडे कर चुके हैं, जो जूनियर आर्टिस्ट का काम कर चुके हैं, या फिर कैमरामैन का, या फिर आर्ट डायरेक्टर का, या फिर राइटर का, या फिर फाइट मास्टर का, या फिर कोरियोग्राफर का, या फिर डायरेक्शन का, या फिर प्रोडक्शन मैनेजर का, ऐसे बहुत सारे काम जो कर चुके हैं और जिनके पास फाइनेंशियल इश्यू है, वो लोग अक्सर ऐसा न्यूज आ रहा है कि सुसाइड कर ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं करें, सुसाइड कभी नहीं करना है। फैमिली का सपोर्ट लीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, रिलेशन में जो है उनसे बात कीजिए, उनका सपोर्ट लीजिए, और इससे डट कर सामना कीजिए। सामना करने से इसका समाधान निकलेगा, और ऐसा भी टाइम आएगा कि फिर से आपके सितारे चमकेंगे और आप आगे बढ़िएगा। तो प्लीज़, अब कोई भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सुसाइड नहीं करें, और आपके जान पहचान में जो भी अगर कोई लोग है, लगता है कि ये परेशान है या सुसाइड कर सकता है या बॉलीवुड में काम किया है, इसको फाइनेंशियल इश्यू है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो उसको शेयर कीजिए, ताकि उसको लगे कि एक मैं जो कि बॉलीवुड में कुछ टाइम काम भी किया मैंने, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस कोरोना से, इस लॉकडाउन से। मुझे भी फाइनेंशियल इशू हुआ, मुझे भी प्रॉब्लम हुआ, मैंने दोस्तों का सपोर्ट लिया, फैमिली का सपोर्ट लिया, और इस मतलब इससे मैं निकलने का कोशिश किया, और अभी अच्छा है, सब ठीक है। तो आप भी किसी न किसी से इंस्पायर होइए, या खुद सोचिए, खुद गट्स कीजिए कि हाँ नहीं, मुझे इससे लड़ना है, निकलना है, और मैं सुसाइड नहीं करूँगा। ये तो कोई मतलब एक तरह से ये बड़ा चीज़ था। तो कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे खेल देखने को मिलता है कि मैट्रिक में फेल हो गया, 10th में फेल हो गया कोई बच्चा, 12th में फेल हो गया तो सुसाइड कर लेता है, किसी कोई प्यार में फेल हो गया तो वो सुसाइड कर लेता है। तो ये सब मेंटलिटी का असर है कि आपका मेंटल लेवल किस लेवल तक का है, कहाँ तक है, इसके वजह से लोग सुसाइड करते हैं। इतनी छोटी छोटी बातों पे सुसाइड करते हैं, झगड़ा हुआ सुसाइड कर लेते हैं, बीवी से झगड़ा हुआ सुसाइड कर लेते हैं, बाप से झगड़ा हुआ सुसाइड कर लेते हैं। तो ये मतलब आप लोगों ना मेंटल लेवल को डेवलप करना है, भगवान ने बनाकर भेजा है आपको, और उम्र से पहले मृत्यु नहीं होना चाहिए। आप लोग को एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, उस मंत्र का भी जाप कीजिए रात के समय सोते समय। जो भी कोई समस्या है आपको, हिम्मत मिलेगी आपको, भगवान का पूजा कीजिए, फैमिली का साथ लीजिए, और देखिए उस मंत्र को मैं बता रहा हूँ, उस मंत्र को जरूर आप लोग पढ़िए रात को सोते समय। पढ़ना है इसको, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमुक्तिमामृतात्। ये महाकाल का मंत्र है जो कि असमय मृत्यु से हमको टालता है। तो जब भी किसी के मन में सुसाइड का ख्याल आए ना, तो इस मंत्र को जरूर पढ़िए। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमुक्तिमामृतात्। ठीक है, और गायत्री मंत्र का भी जाप कीजिए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जिस भी तरीके से आपको होप मिलता हो, पावर मिलता हो कि मैं कुछ करूंगा, अभी मुझे सुसाइड नहीं करना है, लाख समस्या आ जाए, तो आपको उसको अपनाना है, जिससे आपको होप मिले, गट्स मिले। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुस्लिम का भी कुछ मंत्र होता होगा जो कि मुझे पता नहीं है, वो आप लोग मत अपना सकते हैं। एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए जिससे आपको हिम्मत मिले कि मुझे सुसाइड नहीं करना है।
ऐसे देख रहा हूँ मैं आर्या बनर्जी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का राइटर, या फिर जो प्रोडक्शन मैनेजर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि सुसाइड कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है देख के ये सब। आप लोग जब सुसाइड कीजिएगा, चलो एक सुशांत सिंह राजपूत का हम लोग मान सकते हैं, तो वो फाइनेंशियल इशू नहीं था उनको। स्टार्टिंग में कुछ मीडिया वालों ने अफवाह फैलाया था कि फाइनेंशियल इशू की वजह से सुशांत ने सुसाइड कर लिया, लेकिन फाइनेंशियल इशू नहीं था। तो उनसे इंस्पायर होके या उनके बारे में सोच के कि हाँ उन जब सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। उनका अलग केस था, आपका अलग केस है, सिचुएशन अलग है, उनका अलग था। वो भी किए, वो भी गलत था, सुशांत सिंह राजपूत ने भी जो किया वो गलत था। और आप लोग जो अभी कोई कर रहा है या करने का सोच रहा है, अगर कोई करने का सोच रहा है सुसाइड, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए। मेरे को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप मुझसे बात कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप सुसाइड ना करें। आपकी समस्याओं का जहाँ तक हो सकता है मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। मेरा नंबर आप चैनल आर्ट पे देख सकते हैं, एक्सेल इंटरटेनमेंट नीचे लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक कीजिए। एक्सेल इंटरटेनमेंट क्लिक कीजिएगा तो ऊपर चैनल आर्ट पोस्टर एक बैनर लगा हुआ है, उस पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कीजिए। मैं फिर आपको कॉल करूँगा, आपसे बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि जितना मैं आपका सपोर्ट कर सकूँ सपोर्ट करूँगा, जितना आपका हेल्प कर सकूँ मैं हेल्प करूँगा, जितना सहायता कर सकूँ मैं करने का कोशिश करूँगा। चूँकि हम लोग एक NGO भी चलाते हैं, विद्यासागर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, कुछ कारणों से अभी बंद पड़ा हुआ है। इसका स्थापना 7 मार्च 2011 को हुआ था। संस्थापक अध्यक्ष मैं ही हूँ, प्रभात कुमार तिवारी। और हम लोगों ने कंप्यूटर एजुकेशन बहुत सारे गरीब लोगों को भी दिया, पेड एजुकेशन भी दिया, और ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारा सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते थे NGO के थ्रू। तो अभी वो NGO बंद पड़ा हुआ है, लेकिन फिर से उसको मैं रीस्टार्ट करूँगा और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और सबको साथ लेके मैं कोशिश करूँगा कि आगे चला जाए। और किसी को भी कोई समस्या हो, खास करके बॉलीवुड में जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, या जिसको भी कोई परेशानी हो रही है, किसी प्रोडक्शन से कोई परेशानी हो रही है, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, तो उन सब लोगों के लिए कोई सताया जा रहा है, कोई कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू सताया जा रहा है, कास्टिंग डायरेक्टर कोई कंडीशन रख रहा है उसके ऊपर, तो इन सब चार्ज मतलब अगर आप स्वेच्छा से कुछ करते हैं तो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती आपके साथ अगर कुछ होता है या आपको कोई समस्या होती है, आपको कोई पेमेंट नहीं मिलता है, तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और आपका साथ देने का कोशिश करूंगा। वो चाहे मुंबई हो, हैदराबाद हो या दिल्ली हो, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी फिल्म सिटी है, छोटा हो या बड़ा हो, मैं हर जगह सबका सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर एजुकेशन भी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट और पेड। हम लोगों ने कुछ स्टेट में इस काम को किया भी था, और दिल्ली में था, झारखंड में था, बिहार में था, यूपी में था, मुंबई में था, हरियाणा में था, लेकिन फिर वो सब बता रहा हूँ मैं कि सारा सिस्टम बंद पड़ा हुआ है अभी। तो अभी हम लोग को इसको एक ग्रैंड लेवल पे इसको फिर से स्टार्ट करना है, और मुझे भी सबका सपोर्ट चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं या डोनेट करना चाहते हैं, हम लोग का एक अपना पर्सनल करेंट अकाउंट भी है, करेंट अकाउंट है विद्यासागर एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट का। अगर आप कोई सपोर्ट करना चाहता है तो आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको अकाउंट नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं। और फिर हम लोग आगे चल के आश्रम वगैरह भी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी प्लानिंग है हम लोग का, स्कूल का भी प्लानिंग है, कोचिंग सेंटर जो कि पैसे लेते हैं, बहुत महंगा एजुकेशन हो गया है, उसके ऊपर भी हम लोग फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन को सस्ते में दिया जाए, सस्ते में कराया जाए, जैसा कि सुपर 30 में होता है, आनंद कुमार कराते हैं, उस तरीके से हम लोग पूरे हिंदुस्तान में सस्ता एजुकेशन देने का भी कोशिश करेंगे। वो चाहे कंप्यूटर एजुकेशन में हो या नॉर्मल एजुकेशन हो, वो सारे एजुकेशन हम लोग देने का कोशिश करेंगे। और यही सपना था सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह राजपूत का जो भी अधूरा सपना है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। सुशांत सिंह राजपूत ने एक NGO बनाया था, NGO के थ्रू वो गरीब बच्चों का हेल्प करना चाहते थे, गरीब लोगों का हेल्प करना चाहते थे, बॉलीवुड में किसी को भी परेशानी है उसको हेल्प करना चाहते थे,
तो जो उनका सपना था उसका एक मैं लिस्ट बनाऊंगा और उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। अभी तक का जो भी अधूरा सपना है, आगे एनजीओ के थ्रू जो करना चाहते थे, उनका तो जिंदगी का बहुत तरह सपना पूरा हो गया। तो उनका एक सपना था कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूँ, जो कि बन चुके थे। उस लेवल तक पहुँचना बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े स्टार किड भी नहीं पहुँच पाते उस तक, वहाँ तक तो छोटे मोटे लोग तो पूछ ही मत। तो उस लेवल तक वो पहुँच चुके थे और पहुँचने के बाद उनका कुछ ख्वाहिश था, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा, जो कि एनजीओ के थ्रू वो करना चाहते थे। तो मैं भी एनजीओ स्टार्ट किया था 2011 में और उसको मैं फिर से रिस्टार्ट करूँगा और बहुत जल्द आप लोगों के सामने में मैं रहूँगा। बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैंने क्या किया। तो आइए अभी बात करते हैं हम लोग कि जो मुंबई में ये होता आ रहा है अक्सर और अभी भी हो रहा है कि नॉर्थ इंडियन को भगाओ, नॉर्थ इंडियंस को नफ़रत के नज़र से देखते हैं वो लोग, गंदगी की नज़र से देखते हैं वो लोग। मतलब एक पता नहीं एक अलग ही सिस्टम बना रखा है, श्वेत और काला, जो साउथ अफ्रीका में हुआ था गांधी जी के साथ, लंदन में हुआ था, हिंदुस्तान में भी हुआ था। हिंदुस्तान में एक ट्रेन थी जिसमें गांधी जी चढ़ गए थे पैसे पे करके, उसका टिकट कटा के गांधी जी ने चढ़ा था और अंग्रेजों की डिब्बा थी उसमें से गांधी जी को निकाल दिया गया था। उसी तरीके से अभी हम लोग को मुंबई में लगता है कि ये मराठी है और बाकी सारे डॉग्स हैं। ऐसा लगता नहीं है कि बाकी सारे लोग भी एक इंसान है, आदमी है, इंडियन है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का निवासी है, तो मुंबई में क्यों नहीं रह सकते हो। ऐसा लगता है कि नॉर्थ इंडियंस आर नॉट अलाउड इन मुंबई महाराष्ट्र, ऐसा फील होता है हमेशा। कुछ लोगों में देखता हूँ कि डरे डरे से रहते हैं, मैं उनका हिम्मत बढ़ाता हूँ, डरने वाली क्या बात है जब मैं हूँ साथ में। और अक्सर मैं मुंबई में बहुत सारे लोगों का सपोर्ट किया होगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप मैसेज कीजिए, कॉमेंट कीजिए मुझे और बताइए कि मैंने आपको सपोर्ट किया है कि नहीं किया है। वो चाहे विरार हो, गोरेगांव हो, भिवंडी हो, बांद्रा हो, CST हो या कोई भी जगह पे, जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैंने आपको सपोर्ट किया है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। वो चाहे फिल्म सिटी हो, वो जूनियर आर्टिस्ट का काम हो, या वनडे टुडे आर्टिस्ट हो, या जनरल आर्टिस्ट हो, या कास्टिंग डायरेक्टर हो, डायरेक्शन टीम में हो, प्रोडक्शन मैनेजर में हो, किसी भी तरीके से मैंने आपको कभी अगर सपोर्ट किया, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए इसको। मान लीजिए कि मैंने नहीं किया, कोई और ने, किसी और ने किया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका सपोर्ट किसने किया था, BM तिवारी ने किया था, या प्रभात तिवारी ने किया था, या नीतीश तिवारी ने किया था, या रंजीत तिवारी ने किया था, या राहुल तिवारी ने किया था, या सिद्धार्थ तिवारी ने किया था। मुझे लगता है कि सभी तिवारी से आप लोग परिचित होंगे। नितेश तिवारी जो कि छिछोरे के डायरेक्टर हैं, रंजीत तिवारी जो कि लखनऊ सेंट्रल के डायरेक्टर हैं, सिद्धार्थ तिवारी जो कि कृष्णा के डायरेक्टर हैं, राहुल तिवारी जो कि उनके भाई हैं जो प्रोडक्शन संभालते हैं, और प्रभात तिवारी मैं, अंकित तिवारी, आर्यन तिवारी, कार्तिक आर्यन तिवारी, कार्तिक तिवारी उनका नाम था, बाद में कार्तिक आर्यन रख लिया। तो ये भी मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगा कि जब कोई नॉर्थ इंडियन वहाँ जाता है तो इतना डर जाता है ना कि वो अपना नाम तक भी चेंज कर लेता है। रवि किशन, रवि शुक्ला नाम है उनका, शुक्ला है वो, लेकिन काम पाने के चक्कर में डर से उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था, रवि किशन। कार्तिक तिवारी उनका वीडियो में मत लेगा, हम बता दे रहे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे लोग नॉर्थ इंडिया से जाते हैं मुंबई महाराष्ट्र और वहाँ पे बॉलीवुड में अपना नाम चेंज कर लेते हैं। वो एक नाम चेंज करना अलग है, लेकिन डर से नाम चेंज करना एक अलग चीज़ है, जैसे कि रवि किशन ने किया था, कार्तिक आर्यन तिवारी ने किया था, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि नाम डर से अपना नाम चेंज किए और उनको कामयाबी भी मिली है। ये बात भी सही है कि अगर आपका नाम चेंज करते हैं आप, तो आपको करण जौहर अपनाएंगे, यश चोपड़ा अपनाएंगे,
लेकिन अगर आप नाम चेंज नहीं करते हैं तो कोई भी आपको काम नहीं देगा, जैसा कि कार्तिक आर्यन तिवारी के साथ हुआ था। कार्तिक आर्यन को करण जौहर ने काम दिया तिवारी हटाने की वजह से, संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी या ऐसे बहुत सारे तिवारी, पांडे, चौबे, दुबे हैं या यादव जिनको काम नहीं मिला। पासवान, चिराग पासवान गए वहाँ पे, इतना स्ट्रगल किया, उनके पिताजी ने पैसे लगाया और एक फिल्म भी की मिले ना मिले हम, उसके बाद उनको वापस आना पड़ा। इतने बड़े घर की फैमिली का हो के भी एक मंत्री का बेटा होना, एक पार्टी सुप्रीमो का बेटा हो के और गए और उनको कंटिन्यू काम नहीं मिला। लोग बोलने लगे कि एक्टिंग नहीं आता है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसे 20 किस्म का बहाने बना के उसको हटा दिया गया। लेकिन फर्स्ट फिल्म जिस तरीके से उस बंदे ने लीड किया था, मिले ना मिले हम, उसके बाद अगर कोई डायरेक्टर चाहता तो उनको काम दे सकता था और उनको काम मिलता। अगर वो नॉर्थ इंडियन नहीं होते तो, स्टार किड होते तो जरूर काम मिलता उनको। लेकिन आप लोग फिर बोलेंगे कि ऐसे तो बहुत सारे स्टार किड हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, लाइक अभिषेक बच्चन, तो उनको राजनीति करके मूवी माफिया ने उनको हटाया है, लाइक सलमान खान हो, ऐश्वर्या राय के वजह से, करण जौहर से मिलके या यश चोपड़ा से मिलके या बहुत सारे संजय दत्त से मिलके, एक इमेज बना हुआ है सलमान खान का और संजय दत्त का कि गुंडे ऑफ बॉलीवुड या डॉन ऑफ बॉलीवुड या फिर अब जो भी माफिया बॉलीवुड बोल सकते हैं, कि वो जो बोलेंगे उनको सबको मानना है, चाहे प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, वो जो बोल दें कि ये काम करना है करो, इसको काम दो दो, इसको काम नहीं दो नो, इसको लॉन्च करना है तो लॉन्च करो, इसको लॉन्च नहीं करना है तो नहीं करना है। तो इस तरीके से राजनीति करके अभिषेक बच्चन को हटाया गया, या ऐसे बहुत सारे हैं जिनको हटाया गया राजनीति करके। ऐसा नहीं है कि अभिषेक बच्चन को एक्टिंग नहीं आता, एक्टिंग आता है और डांस भी अच्छा करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन राजनीति के चक्कर में फंसने की वजह से उनको काम मिलना कम हो गया। काम अभी भी मिलता है लेकिन कम काम मिलता है। और लेकिन वही देखिए, अमिताभ बच्चन को कंटिन्यू काम मिल रहा है, एज इतना होने के बाद भी उनके पास फुर्सत नहीं, टाइम नहीं है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है अच्छे अच्छे डायरेक्टर को, उनको उनके साथ काम करने के लिए, और लॉन्ग डेट मिलता है उनको, सारा डेट बुक हो चुका है उनका। तो इस तरीके से अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्थ इंडियन है उनको काम मिलने में काफ़ी समस्या होता है, और ये बात हकीकत है। और ये बात भी हकीकत है कि नाम चेंज करते हो अगर आप, तो आपको काम मिलने का उम्मीद ज़्यादा रहता है, और ये प्रूफ भी हो गया, जैसा कि कार्तिक आर्यन के साथ हुआ। कार्तिक आर्यन ने तिवारी सर ने मटाया तो अच्छे अच्छे फिल्म मेकर उनके साथ काम करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी फॉक्स स्टार स्टूडियो ने उनके साथ 3 फिल्म साइन किया है, 25-25 करोड़ का, 75 करोड़ का उनके साथ फिल्म डील किया है। अभी 75 करोड़ से याद आ रहा है कि अक्षय कुमार ने एक फिल्म करने के लिए 99 करोड़ रुपए लिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे फिल्में बन रही है लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद, और अच्छी कमाई हो रही है, जैसे कि मैंने पहले बताया था एक वीडियो में आप लोगों को, और वो कंटिन्यू चल रहा है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत केस के लेके ऐसे बहुत सारा वीडियो बन रहा है जो कि अफवाह फैला रहे हैं, लोग गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, जिसके वजह से एक बहुत ही यंग यूट्यूबर को जो कि 25-26 साल का है उसको जेल जाना पड़ गया। 31 साल के यूट्यूबर उनको जेल जाना पड़ गया। ऐसे 2-3-4 यूट्यूबर हैं जिनको जेल जाना पड़ गया गलत न्यूज़ फैलाने की वजह से, और मुंबई में ही हैं वो लोग, और शिवसेना के पार्टी ने, उनके सपोर्टर ने उनको जेल भिजवाया। उसके बाद उसी यूट्यूबर को अक्षय कुमार ने उसके ऊपर 500 करोड़ का हर्जाना लगा दिया कि तुमको इतना देना पड़ेगा, मेरे खिलाफ ऐसा न्यूज़ क्यों फैलाया सुशांत सिंह राजपूत को लेके। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी गलत न्यूज कभी भी ना फैलाएं, फैक्ट्स के आधार पर बात कीजिए, और कोई भी अपने हिसाब से न्यूज मत बना लीजिए। आपके पास जो जानकारी है उसके हिसाब से बात कीजिए, और कुछ बोलते भी हैं एक्स्ट्रा तो अपने हिसाब से बोलिए, लिमिट में रह के बोलिए, ताकि दूसरे लोगों को बुरा ना लगे, और YouTube का गलत इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा।
सबके लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। और मैं अक्सर ये देख रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद अक्सर ये देखने में आ रहा है कि लोग उनके ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल भी हो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। जो भी वीडियो बन रहा है अक्सर वायरल हो जा रहा है। आप वो केस ले लीजिए, उज्ज्वल त्रिवेदी का केस ले लीजिए, उनका चैनल बिल्कुल नहीं चल रहा था, आज 4 लाख से ऊपर उनका सब्सक्राइबर है। गणेश शिवाकर का ले लीजिए, उनका भी चैनल नहीं चल रहा था, आज एक लाख सब्सक्राइबर उनका होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे, विभोर आनंद हो गए या विवेकानंद गुप्ता हो गए, एडवोकेट जो हैं, विवेकानंद गुप्ता हर एक के साथ बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में उनके साथ चर्चा कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, और बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारा लोग हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे खुद को फेमस करने के चक्कर में लगे हुए हैं, कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं, बहुत सारे गेस्ट लोग जुड़ रहे हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम लोग करके कैसे चर्चा कर रहे हैं। तो लाइव स्ट्रीम करने के लिए अगर मान लीजिए कि आप तो लाइव स्ट्रीम अगर आप करते हैं तो उसमें केवल आप खुद ही बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइव स्ट्रीम में किसी गेस्ट को जोड़ते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर में अगर मान लीजिए कि मोबाइल से करते हैं या फिर लैपटॉप से करते हैं या फिर कैमरा से करते हैं, तो आप स्ट्रीम यार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। एक फ्री स्ट्रीम यार्ड होता है, फ्री स्ट्रीम यार्ड में क्या है कि आपको पावर्ड बाई स्ट्रीम यार्ड लिखा हुआ आएगा, आपका लोगो जो रहेगा। लेकिन आप अगर परचेज करते हैं सॉफ्टवेयर को, परचेज कीजिएगा तो आपका वो जो लोगो है स्ट्रीम यार्ड का वो नहीं रहेगा, अपना खुद का लोगो लगा सकते हैं। और आपका जो भी लोगो है आप यूज कीजिए और स्ट्रीम यार्ड कीजिए, आप गेस्ट को ऐड कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना आप गेस्ट चैनल ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परचेज नहीं किए तो उसका लिमिट रहता है कि 20 घंटे का ही आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं एक महीने में, और उसमें आप अपना लोगो भी नहीं लगा सकते हैं। और दूसरा है कि जूम के थ्रू OBS के हेल्प से लोग स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे गेस्ट को ऐड करते हैं, उसमें आपका एक कोड रहता है और पासवर्ड डालिए, उसमें कोई भी आपके साथ जुड़ सकता है। लेकिन स्ट्रीम ऐड में क्या होता है कि आपको लिंक शेयर करना पड़ता है, लिंक जिसके साथ आप शेयर कीजिएगा वो लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, और जो एडवोकेट हैं सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े जो केस को जो देख रहे हैं लाइक, जिनको नॉलेज है, विवेकानंद गुप्ता हो गए, विभोर आनंद हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिससे लोग बात कर रहे हैं, लाइव चैट कर रहे हैं और उनसे बात करके अपना वीडियो यूट्यूब पे डाल रहे हैं। वो लाइव ही चल रहा है, खुद ब खुद लाइव जा रहा है और वीडियो अपने आप यूट्यूब पे चला जा रहा है। तो उसमें बहुत सारे लोग गलत न्यूज़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मर्जी से बोल दे रहे हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, और वो वीडियो वायरल हो जा रहे हैं, और फिर कुछ अगर उल्टा बोल दे रहे हैं तो आपको जेल का भी मुंह देखना पड़ रहा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, दो चार बार, 10 बार भी आपको जेल जाना पड़ सकता है अगर आप गलत न्यूज़ फैलाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग में हो या फिर वीडियो बना के हो या जैसे भी हो, अगर आप गलत न्यूज़ फैलाते हैं तो आपको जेल में जाना पड़ सकता है। और ऐसे बहुत सारे केस आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, ये यूट्यूब पे ही नहीं, ऐसे बहुत सारे जगहों पे हो रहा है। लाइक अब ये सब सारे केस साइबर क्राइम के अंदर में आ रहे हैं, लोग डिजिटल का यूज़ गलत तरीके से कर रहे हैं तो उसका भुगतान भी उनको ही भुगतना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि कभी भी गलत न्यूज़ ना फैलाएं, लोगों के संपर्क में रहें, अच्छी बातें फैलाएं, पॉजिटिव बातें फैलाएं। और जो लोग भी गलत फैला रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसा ना करें, दूसरों का अगर आप सहायता नहीं कर सकते हैं तो नुकसान बिल्कुल ना पहुँचाएं। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे बॉलीवुड के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो सुशांत सिंह राजपूत तो एक अच्छे फैमिली से थे, तो वहाँ पे गए, उनको कोई परेशानी नहीं हुई और अपना वो सब कुछ अच्छे से करे और
पैसे इन्वेस्ट किए, कुछ फैमिली की मदद से पैसे इन्वेस्ट किए और कंटिन्यू काम उनका चला गया, अच्छा बढ़ते चला गया और आगे बढ़ते चले गए वो। उनको कोई ज़्यादा खास स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, ऐसा लगता है आप लोगों को, लेकिन स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। भले ही बैकग्राउंड डांसर का काम किया लेकिन कोई खास स्ट्रगल नहीं था। लेकिन अगर कोई नॉर्मल आर्टिस्ट, नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल लोग जो कि अगर जाते हैं वहाँ पे, उनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लाइक जैसे मान लीजिए कि आप वहाँ पे अगर जाते हैं तो आपको सबसे पहले समस्या होता है रूम का, खाने का, काम का। तो अगर आप जाते हैं वहाँ पे तो आप कोशिश कीजिए कि कोई इंटीरियर एरिया हो जहाँ पे आप सस्ता रूम ले सकें, इंटीरियर एरिया में जो कि ज़्यादा दूर भी नहीं हो, आने जाने में आपका परेशानी ना हो, इस हिसाब से रूम ले लीजिए। खाने के लिए आप वहाँ पे हर एक जगह पे आपको छोटा मोटा होटल भी रहता है जो कि 50 से 60 रुपए का आपको आपका एक टाइम का खाना मिल जाएगा। वो आपको अंधेरी में भी है, अंधेरी में भी है, वहाँ पे भी आपको मिल सकता है, या गोरेगांव में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ भी आपको मिल सकता है। तो एक इंटीरियर एरिया में थोड़ा सा सस्ता रूम लीजिए, खाने का जुगाड़ कीजिए, पता कीजिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ मिलके सब कुछ पता कीजिए स्टार्टिंग में, या फिर जो पुराना बंदा है जिसको कुछ एक्सपीरियंस है या फिर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से आप वहाँ पे पहले रहना और खाना स्टार्ट कीजिए, फिर काम सर्च करने की कोशिश कीजिए। काम के बारे में मैं बताया था आप लोगों को, फिर से बता रहा हूँ कि जब आप काम करने वहाँ पे जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि या तो सबसे पहले ज़रूरी आपको वहाँ पे कि कोई जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसको सीखिए। एक्टिंग करना चाहते हैं तो एक्टिंग के बारे में सीखिए, कैमरा चलाना चाहते हैं तो कैमरा के बारे में सीखिए, राइटिंग करना चाहते हैं तो राइटर के बारे में सीखिए, पहले सीखिए। सीखने के बाद आप एक कार्ड बनवाइए, यूनियन का कार्ड बनवाइए कुछ किसी अच्छे यूनियन का, और कुछ यूनियन ऐसे भी हैं जो कि वो आपको ऐसे कार्ड नहीं बनाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ काम किए हुए हैं तो आपका वो कार्ड बनाते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ काम कीजिए और कार्ड बनाइए, और कार्ड बना के फिर आप ऑडिशन दीजिए, कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाइए, फिर वहाँ से आपको काम मिल सकता है, मिलने का उम्मीद है और बहुत कम चांस लेकिन रहता है काम मिलेगा आपको। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास फाइनेंशियली आप ठीक हैं तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और इन्वेस्ट करके आप कोई फिल्म, सीरियल, वेब सीरीज बना सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो आप फिर क्या कर सकते हैं कि एल्बम बना सकते हैं, वीडियो सॉन्ग बना सकते हैं, एक गाना बनाइए किसी ऐसे सिंगर को लेके, आप खुद भी गा सकते हैं अगर अच्छा सिंगिंग का नॉलेज है, आप खुद गाइए, एक्ट कीजिए और उसको अच्छे चैनल पर रिलीज कीजिए, अच्छे यूट्यूब चैनल पर रिलीज कीजिए, और फिर वहाँ से भी आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है कि रीजनल फिल्म में अक्सर ऐसा ही होता है। रीजनल फिल्म में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि पहले एक कोई चाहे कैसा भी उसको गाना आता हो या नहीं आता हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप पहले गाना सीखिए, एक्टिंग भी सीखिए, तो ही फिर आप गाना गाइए। रीजनल फिल्म अक्सर ये होता है कि लोग गाना गाते हैं, वीडियो में भी एक्ट खुद करेंगे, किसी लड़की को अच्छी सी लड़की लेके और बनाएंगे और अच्छी कंपनी से रिलीज करेंगे उसको। रिलीज करने के बाद उनका अगर उसी में 10 गाने बनाए, 10 में से अगर एक गाना भी हिट हो गया तो फिर उनकी निकल पड़ती है, उनको शोज मिलने लगते हैं, उनको कंपनी वाले गाना गवाते हैं उनसे, और फिर कुछ दिनों बाद आने वाले समय में या तो उनके पास पैसे हो जाते हैं, या फिर कोई इन्वेस्टर मिल जाता है, या फिर कोई प्रोड्यूसर उनको बोलता है कि मैं आपको लीड में लेके काम करना चाहूँगा, या फिर वो खुद पैसे लगा के लीड में काम करते हैं, और इस तरीके से उनका करियर एज लीड में वो काम करने लगते हैं। रीजनल फिल्म अक्सर ऐसा होता है। आप राजस्थानी फिल्म देख लीजिए, गुजराती फिल्म देख लीजिए, मराठी फिल्मों में भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है, भोजपुरी फिल्मों में होता है, बंगाली फिल्मों में होता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग वो क्या करते हैं कि कम अमाउंट में एक सॉन्ग बनाते हैं और उस सॉन्ग से कुछ कमाई करते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसी में से एक गाना हिट हो जाता है, फिर उसके बाद फिल्मों में आ जाते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं ये, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट करूँगा
जितना भी हो सकता है मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप फाइनेंस लेकर आइएगा तो वैसे भी मैं सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, और आपके पास फाइनेंस है तो भी मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। और आप स्टार्टिंग में एक गाना निकालिए, गाने के बाद जो भी आपका कमाई होता है फिर उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा ऐसे कंटिन्यू गाने निकालते रहिए, और फिर आप आने वाले समय में एक गाना आपका हिट होगा, फिर उसके बाद आप भी स्टार बन जाइएगा। तो इस तरीके से आप भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी अच्छे एक्सपीरियंस जो कि पहले से कुछ काम किया हुआ है या फिर काम कर रहा है या जिसको कुछ अनुभव है उससे संपर्क कीजिए, आपके जान पहचान में जो भी लोग हैं, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से आप कुछ लोगों से बात कीजिए, या फिर जो भी आपको सुविधाजनक लगता है, जो आपके हाथ में लगता है कि हाँ मैं इसको इजी वे में कर सकता हूँ, उस हिसाब से आप रास्ता अपनाइए, और रास्ता ऐसा अपनाइए कि आप आगे तक बढ़ सकें। ये नहीं कि ये स्टार्ट किया और इसी में पूरी लाइफ निकाल दी, ऐसा करने का कभी कोशिश मत कीजिए। कोई भी काम करते हैं तो उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, वो चाहे कोई भी लाइन हो, एक्टिंग का लाइन हो, डांस का हो, कोरियोग्राफर का हो, सिंगिंग का हो, डायरेक्शन का हो, कैमरामैन का हो, प्रोडक्शन का हो, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि इतना तक किया फिर वहीं पर रोक दिया, फिर उसी लेवल में कंटिन्यू करते चले गए, ऐसा नहीं करना है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है रियलिटी से ज़्यादा वर्चुअलिटी में ज़्यादा फेमस हो रहा है। अक्सर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात हो रही है, उनके केस के बारे में बात हो रही है। 6 महीने से ऊपर हो गया लेकिन कोई अभी तक रिजल्ट नहीं आया। क्या कर रही है CBI? NCB ने तो पूरा अपना काम किया, जितने भी ड्रग्स पेडलर थे सबको गिरफ्तार किया, पता लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत के पास ड्रग्स आते थे अनुज केशवानी के थ्रू, उसमें रिया चक्रवर्ती का भी हाथ था, स्वाभिक चक्रवर्ती का भी हाथ था। तो ऐसे सबको गिरफ्तार किया, जेल भेजा, एक सिस्टम से अपना पूरा सब कुछ पता लगाया कि हाँ ड्रग्स कहाँ से आता था, क्यों आता था, कैसे आता था। क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे ड्रग्स एडिक्टेड नहीं थे सुशांत सिंह राजपूत, उनको ड्रग्स एडिक्ट बनाया गया। तो किसने बनाया ये, और इसमें ज़्यादातर हाथ उनके फ्रेंड्स का हो सकता है, या चक्रवर्ती का हो सकता है, शौविक चक्रवर्ती का हो सकता है, या उनके आसपास जो भी रहता था उसको पता होगा कि किसने ड्रग्स एडिक्ट बनाया। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम लोग केवल बात कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को, मतलब रिया चक्रवर्ती के बारे में बात कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर रिया चक्रवर्ती ने किया होगा, ड्रग्स एडिक्ट बनाई होगी, या उसने सुसाइड के लिए उकसाया होगा, या सुसाइड करवाया होगा, या मर्डर किया होगा। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, वो भी हम लोगों को बात करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत एक सिंगल भाई थे, उनकी एक बहन थी जो कि मुंबई में रहती थी कोरेगांव में, उनका भाई IPS ऑफिसर थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा था, और भाई में अकेला थे, मम्मी का डेथ हो चुका था, पापा एकदम बहुत ज़्यादा एज हो चुका है, 70-75 के आसपास हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि उनकी जो बहन थी वो जिस दिन उनका डेथ हुआ था उस दिन संदीप सिंह के साथ, आप लोगों देखा होगा कि कंधे पे कंधे हाथ रख के और वो जा रहे थे उनके साथ में। तो संदीप सिंह बोलते हैं कि नहीं, मेरा उनके साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम मिला था उनके साथ, वो मेरी दीदी है, सुशांत की दीदी है तो मेरी भी दीदी है, इंटरव्यू में बताया था संदीप सिंह ने। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उनकी बहन और संदीप सिंह ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को उकसाया हो सुसाइड के लिए, या फिर सुसाइड, या फिर हत्या कर दिया हो, या आत्महत्या कर दिया हो उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि संदीप सिंह एक इंस्पायरिंग डायरेक्टर थे जो कि PM नरेंद्र मोदी फिल्म बना चुके हैं, और उनका काफ़ी जगह से कनेक्शन रहा है, दुबई में यहाँ वहाँ, काफ़ी बेचैन थे फिल्म बनाने के लिए, फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए, कि कैसे फिल्म बनाया जाए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ये हो सकता है कि उनकी बहन के साथ मिलके वो सुशांत सिंह राजपूत
को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हों या उनकी ज़मीन को हड़पने का, उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश करते हों, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि संदीप सिंह छुपते हुए नज़र आए, उनको कैमरा कैच करने की कोशिश करती रही लेकिन वो भागते हुए नज़र आए, फिर अचानक से मीडिया वाले के सामने आते हैं और अपनी सफाई पेश करते हैं कि मैं ऐसा था वैसा था, मेरी दीदी थी। चूँकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो बहुत पहले से काम करना चाहते थे, वो बहुत पहले उनसे मिल चुके थे पुणे में लोनावाला में उनके फ्लैट पे, ऐसा एक कहानी बताया था संदीप सिंह ने कि मैं उनसे मिलने के लिए गया था तो बोले कि ठीक है आओ मैं चिकन बनाता हूँ घर पे अपने, तो वहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का अपना फ्लैट था और वहीं पे वो मिले संदीप सिंह सुशांत सिंह राजपूत से, लेकिन उनकी बात नहीं बन पाई, फिल्म नहीं बन पाई और तब से उनकी आंखों में वो गड़े हुए थे कि मैं कैसे फिल्म बनाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, और लाख कोशिश करते रहे लेकिन उनकी फिल्म नहीं बन पाई। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि विवेक ओबराय का सुशांत सिंह राजपूत के फिल्मनल में आना, संदीप सिंह का फिल्मनल में आना, उनके सिस्टर का फिल्मनल में आना, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है, ये किसका जांच पड़ताल। मैं ये बोलूँगा कि CBI को उस एंगल से भी करना चाहिए, एक बार उनके सिस्टर संदीप सिंह, विवेक ओबराय, इस एंगल से भी इस केस का जांच करना चाहिए कि इनका क्या कनेक्शन है, कहाँ तक कनेक्शन है, संदीप सिंह का, विवेक ओबराय का, या उनकी बहन जो कि मुंबई में ही रहती है, इनका सबका कनेक्शन इस एंगल से भी एक बार रिया को छोड़ के सेकेंड एंगल से भी सीधे को जांच करना चाहिए कि ये बात सच है कि नहीं है, इसके बारे में भी जांच करना चाहिए। रिया चक्रवर्ती ने केस किया भी था उनके सिस्टर्स के ऊपर कि वो लोग इलीगल तरीका से उनको मेडिसिन देने की राय दे रही थी, मेडिसिन दिया भी था और जो कि चैट में आया था, तो ये केस चल रहा है, CBI के पास है वो केस, उसको बंद करने का भी कोशिश किया गया कि ये तो रिया चक्रवर्ती उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान NCB ने बहुत सारे स्टार किड को पकड़ा, लाइक सर अली खान को, उनसे भी पूछताछ हुई, उसके बाद रकुल प्रीत सिंह से हुआ, उसके बाद श्रद्धा कपूर से पूछताछ हुआ, दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुआ, उसके बाद रणवीर सिंह को बायकॉट किया गया, वो मजाक उड़ाए सुशांत सिंह राजपूत का एक एड के में, तो इस तरीके से बहुत सारे सीन क्रिएट हो रहे हैं। और ये कोई भी आदमी को जब हुआ था देख तो विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा उभरता सितारा सुसाइड कैसे कर सकता है, इसीलिए ये एक कैंपेन इतना बड़ा बढ़ता चला गया, डिजिटली, वर्चुअली, रियलिटी में हर जगह पे कैंपेन चल रहा है। हैदराबाद में गणेश शिवारकर कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, पटना में, कोलकाता में, मुंबई में, ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे वो कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ दे रहे हैं उज्ज्वल त्रिवेदी, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कंधा में कंधा मिला के चल रहे हैं, कंटिन्यू उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वर्चुअली भी ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोटेस्ट, आप लोग देख भी रहे होंगे और जानते भी होंगे। तो इस तरीके से लाख कोशिश के बाद भी मुझे नहीं लग रहा है कि इसका कोई नतीजा निकल पाएगा, मुझे पूरा भरोसा है CBI के ऊपर कि अभी भी कुछ हो पाएगा। NCB कैसे पूरा ड्रग्स पेडलर का पता लगाया, जेल भेजा, लेकिन CBI क्या ऐसा कर पाएगी, पूरे हिंदुस्तानियों का इंतज़ार है, पूरे दुनिया को इंतज़ार है इस बात का, क्योंकि फैन फॉलोइंग सुशांत सिंह राजपूत का केवल हिंदुस्तान में ही नहीं था, जर्मनी में, अमेरिका में, लंदन में, पेरिस में, हर जगह, स्विट्जरलैंड में, हर जगह पे उनका फैन फॉलोइंग है और लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन इस बात में कितना सच्चाई है ये CBI ही बता सकती है
कि ये सुसाइड है या फिर मर्डर, और इसका जांच अभी तक चल रहा है। 6 महीने बीत गए सुशांत सिंह राजपूत के मरे हुए, लेकिन अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि किसने क्या किया, कैसे किया। अभी केवल इतना चल पाया है कि एनसीबी के जांच में कि रिया चक्रवर्ती का हाथ था, अनुज केशवानी का हाथ था, शौरिक चक्रवर्ती का हाथ था, उसके बाद बड़े बड़े स्टार का मॉडलिंग हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पूछताछ हुआ, प्रूफ भी मिला ग्रुप चैट में जिसका एडमिन दीपिका पादुकोण थी, उसमें वो डिमांड करती है ड्रग्स का, लेकिन पूछताछ करके उनको छोड़ दिया गया। ऐसे एक वीडियो आया था करण जौहर का, उसमें बहुत सारे स्टार लोग हैं जो कि ड्रग्स के मूड में हैं, उनको उनका भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा वीडियो का इंक्वायरी किया गया तो वीडियो में पता चला कि हकीकत है और रियल वीडियो है। फॉरेंसिक जांच हुआ वीडियो का, फॉरेंसिक जांच में पता चला कि वीडियो हकीकत है, कुछ दिन पहले का है। कुछ शोज में लोगों ने पूछा भी था करण जौहर से कि इस वीडियो में क्या सच्चाई है, तो उन लोगों ने मना कर दिया था। विक्की कौशल से भी पूछा गया था कि वीडियो में कहाँ तक सच्चाई है, क्या सच्चाई है, उन्होंने भी मना कर दिया था। लेकिन फॉरेंसिक जांच जब हुआ तो हकीकत सामने आया कि नहीं, वो तो वीडियो सच था। तो ये सब भी जांच का विषय है। एनसीबी को चाहिए कि इस पर भी जांच करें, और जल्द से जल्द जो माफिया जो है, ड्रग्स माफिया जो जुड़े हुए हैं फिल्मी माफिया के साथ, अब जो छोटे मोटे लोग हैं उनको केस में फंसा दिया जाता है, उनके साथ कोई कानून नहीं चलता, और इनके साथ कानून में इनके लिए कोई न्याय ही नहीं है, इनके लिए कोई नियम ही नहीं है, क्योंकि ये स्टार हैं, फिल्म स्टार हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं, इसलिए इनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। ये जो चाहे वो करें, ड्रग्स का इस्तेमाल करें या फिर किसी को सुसाइड के लिए उकसाएं। ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है, विद्या भारती के साथ हो चुका है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हत्या हो जाता है, सुसाइड हो जाता है, श्रीदेवी है जिसका कोई पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं बॉलीवुड में जिसका कोई कुछ अता पता नहीं है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी हुआ है, और उनकी फैन फॉलोइंग इतनी थी पवित्र रिश्ता के टाइम से ही, घर घर में लड़कियां औरतें उनके सीरियल को देखती थी, पसंद करती थी, और उसके बाद वो फिल्म किए तो उसके बाद पूछना ही क्या, कंटिन्यू उनको पसंद किया गया, हर एक फिल्म पसंद किया गया, चाहे फिल्म कैसी भी। तो ये सब देखने के बाद सुशांत सिंह राजपूत का हत्या या सुसाइड करना, फाइनेंशियल इशू के वजह से कुछ और आर्टिस्ट का सुसाइड करना, राइटर का सुसाइड करना, तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूं, ताकि आप अगर इसका लाभ उठा सकते हैं, अगर आपके लिए लाभदायक हुआ तो बहुत बहुत मुझे अच्छा लगेगा, मुझे दिल मतलब मेरा दिल भर आएगा, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैं कुछ बोला और उसका किसी को तो फ़ायदा हुआ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप मुंबई आते हो बॉलीवुड में, चाहे किसी भी फील्ड में काम करो, एक्टिंग में करो, कैमरामैन में करो, या फिर डायरेक्शन में करो, कोरियोग्राफी में करो, या फिर प्रोडक्शन में करो, या किसी भी फील्ड में करो, तो अपना एक बेस तैयार करके आओ। और ख़ास करके ये बात मैं बोल रहा हूँ एक्टर के लिए, खास करके एक्टर के लिए, कि अपना एक बेस तैयार करके आओ, वो चाहे फाइनेंशियली हो, या फिर एक्टिंग सीख कराने का हो, या फिर फिल्म मेकिंग का नॉलेज हो, या फिर एक अपना बेस तैयार करो ताकि आपके पास पैसे आते रहें। कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके पास जिससे आपके पास पैसे आते रहें, वो तरीका तैयार करके ही आप मुंबई आए तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि कैसे तैयारी करके हैं। मान लीजिए कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, मैं फोकस एक्टर पे कर रहा हूँ खास करके, क्योंकि बाकी लोग एडजस्ट कर लेते हैं धीरे धीरे करके, लेकिन एक्टर लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद भी काम नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग वापस आ जाते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग कुछ और काम करने लगते हैं, रास्ते बदल लेते हैं अपना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्टर के लिए खास करके बात करूँगा, क्योंकि बाकी साथी लोग एडजस्ट धीरे धीरे कर लेते हैं, लेकिन एक्टर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, या तो रास्ता बदल लेते हैं या फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो उनके लिए मैं बात करूँगा कि जब भी आप एक्टर बनने जाएं तो वहाँ पे आपको एक बेस तैयार करके देंगे, लाइक
अभी फिलहाल के टाइम में क्या है कि आप YouTube चैनल पे एक अपना एक चैनल बनाइए और चैनल बना के उसको कुछ वीडियो उस पर डालिए और उसको मोनेटाइज कीजिए किसी भी तरीके से, ताकि आपके पास कुछ पैसा आते रहे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी भी YouTube चैनल पे आप हज़ारों वीडियो भी डाल दो और दो साल चार साल पाँच साल भी काम करते रहो, वो चैनल मोनेटाइज बहुत मुश्किल से होता है नए लोगों के लिए। अगर मान लीजिए कोई स्टार है, फेमस है, या कुछ काम पहले किया है, या अच्छा काम कर रहा है, अच्छा क्वालिटी वीडियो बना रहा है, अच्छे से कर रहा है काम, तो उसका तो मोनेटाइज हो सकता है। लेकिन अगर आप कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं तो आपका वीडियो जल्दी मोनेटाइज नहीं होगा। तो उसके लिए आपको प्रमोट करना पड़ता है, बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ टाई अप करना पड़ता है, आप कोलैबोरेट करके उसके साथ आप अपना अच्छा चैनल बना सकते हैं और चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, जैसा कि आप लोगों को अगर पता होगा तो अच्छी बात है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स वॉच टाइम चाहिए चैनल को सब्सक्राइब मोनेटाइज करने के लिए। तो इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट आप कंप्लीट कीजिए ताकि आपके पास एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो। आप कंटिन्यू उस पर वीडियो बना के डालते रहिए, आपके पास पैसे आते रहेंगे, चैनल मोनेटाइज रहेगा और इस तरीके से आपके पास एक बेस बना रहेगा, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो अगर मुंबई आते हैं किसी चीज़ में ट्राई करते हैं एक्टिंग में खास करके, तो आपको कोई ज़्यादा खास समस्या नहीं होगा। मान लो कि आपको कहीं काम नहीं मिलता है तो आपके पास तो पैसे आ रहे हैं और इतनी आसानी से इतनी जल्दी काम नहीं मिलती है और आपकी कोई पहचान नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत सारे ऐसे होता है, ऐसे जगह मतलब बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि अगर आप फाइनेंस इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ तो आपको काम बहुत आसानी से बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर अच्छे से कॉन्टेक्ट हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फंस भी जाते हैं, पैसे भी दे देते हैं और फंस भी जाते हैं, काम भी नहीं होता है, पैसे भी डूब जाता है। तो इसलिए ऑथेंटिक आदमी जो हो उसको ही पैसे इन्वेस्ट कीजिए ये, या फिर आप अगर आपके पास ये तो हो गया एक बेस कि यूट्यूब का स्टार्ट किया, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एल्बम बनाइए, गाने बना के और करियर अपना स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। तो उस हिसाब से आपका अगर कॉन्टेक्ट है उस मतलब जो चैनल रिलीज कर दिए गाने यूट्यूब जाने, और आप सिंगर हैं या फिर रीजनल सिंगर हैं, तो उस हिसाब से आप गाने बनाकर रिलीज कर सकते हैं, या फिर अपना यूट्यूब जो अगर बनाए हुए हैं आप तो उस पर भी रिलीज कीजिए, और कुछ गाने जो फेमस कंपनी उस पर भी रिलीज कीजिए ताकि आपको एक पॉपुलरिटी भी मिलता रहे, और इधर जो आपका चैनल है इस पर रिलीज कीजिएगा तो आपके पास पैसे भी आते रहेंगे। तो एक अपना बेस तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास फाइनेंस इससे भी ज़्यादा है तो आप क्या कीजिए कि OTT प्लेटफॉर्म बनाइए। OTT प्लेटफॉर्म 2,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगता है उस पर। OTT प्लेटफॉर्म बनाइए और फिर अपना वेब सीरीज बनाइए। आप आसानी से जो कि अच्छा एक टेक्नीशियन, अच्छे टेक्नीशियन को रखिए अपने साथ में, एक डायरेक्शन टीम को रखिए, एडिटिंग मतलब एक ऐसा टीम होना चाहिए या फिर एक ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा आदमी जिसको सारे चीज़ का नॉलेज हो, जो आपका कोई भी काम अटकने नहीं दे, काम स्टार्ट हो तो उसको एंड करे, रिलीज करे, इस हिसाब से काम करे। ऐसा एक या दो चार बंदे ऐसे होने चाहिए, या आपके फिर आपको खुद नॉलेज होना चाहिए। इस टाइप का आपको खुद नॉलेज है तो आप OTT स्टार्ट कीजिए, वेब सीरीज बनाइए और फिर धीरे धीरे करके उससे आगे बढ़िए, फिर मुंबई में आप अपना कदम बढ़ाइए आगे करके, फिल्मों में, सीरियल में, बड़ी बड़ी फिल्में कीजिए। तो इस तरीके से आप एक बेस तैयार रहेगा आपका, तो बहुत फ़ायदे आपको मिल सकते हैं इसका। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप अगर किसी रीजनल फिल्म में जाते हैं, जैसे लोकल भाषा आपका कोई भी है, बंगाली है, तमिल तो उधर बजट उनका हाई होता है, बंगाली, राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी, तो उस हिसाब से उनके भी आप स्टार बन के और तो हिंदी फिल्मों में ट्राई कर सकते हैं या सीरियल में ट्राई कर सकते हैं। अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि रीजनल जो स्टार होते हैं उनको काम नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा हकीकत नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको काम मिलेगा, आपको उसमें अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि रीजनल सिनेमा का एक अलग सिस्टम होता है, अलग तरीका होता है, अलग लैंग्वेज होता है, अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, एडिक्शन अलग है, सब कुछ अलग है उसका। तो उसी तरीके से आपको हिंदी में जब आइए तो उस लेवल का आप सुधार करके सीख के तब आइए, तब आपको काम मिलेगा, हिंदी में भी काम मिलेगा रीजनल वालों को भी, तो वहाँ से भी आप स्टार्ट करते हैं, कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके पास कितने फाइनेंस है, कितनी जानकारी है, सब चीज़ मायने रखता है। फिल्म इंडस्ट्री में
फाइनेंस भी मायने रखता है, नॉलेज भी मायने रखता है कि किस लेवल तक आपको नॉलेज है, क्योंकि ऐसा भी होता है क्योंकि मान लो कि आपके पास फाइनेंस तो है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे जो आपके पैसे लूट लेंगे। काम तो होगा लेकिन पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे, इसलिए नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई छोटा मोटा काम कीजिए, कम पैसे इन्वेस्ट कीजिए और छोटा मोटा काम कीजिए, नॉलेज लीजिए, सीखिए पहले, सीख के तब आप फिल्में बनाइए, क्योंकि पहले सीधा आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे लोग लूट लेंगे, मतलब 10 के जगह पे 15 लग जाएंगे, तो कोई खास फायदा आपको होगा नहीं। आपको लगेगा कि अरे बॉलीवुड तो घाटे का बिजनेस है, पैसे इन्वेस्ट किया और पैसा तो डूब गया मेरा, या जितना लगाया उससे कम ही निकला। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं और उनको नुकसान होता है और फिर जाके वो बाद में बॉलीवुड को बदनाम करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको नॉलेज की कमी की वजह से आपको वैसा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई काम करें तो पूरी जानकारी के साथ, पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करें, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं ये बोल रहा था कि जब भी आप आते हैं मुंबई तो अपना एक बेस तैयार करके आइए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के आइए, सीख कर आइए, और फाइनेंशियली कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आपके पास, खास करके एक्टर के लिए, तभी आप मुंबई आइए। और जब आ रहे हैं आप, जब मन हो गया कि नहीं मुझे जाना ही है और सब कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप क्या कीजिए कि यूट्यूब चैनल बनाइए, उसमें वीडियो चैनल डालिए, प्रमोट कीजिए, बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उनके साथ कोलाबरेट कीजिए और एक अच्छा यूट्यूबर बनिए, अपने चैनल को मोनेटाइज कीजिए और फिर आइए, ताकि आपके पास पैसे का कोई इश्यू नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद अक्सर जो भी एक्टर होते हैं उनके पास फाइनेंशियली इशू होता है, फाइनेंशियली इशू होने के बाद वजह से वो अच्छा काम नहीं कर पाते हैं और फिर रास्ते चेंज कर लेते हैं या फिर वापस अपने गाँव चले जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ये आपके साथ हो। आप आना चाहते हैं मुंबई तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंबई शहरिया में लेकिन पूरी तैयारी के साथ आइए, पूरे जोश के साथ आइए, पूरी चीज़ सीख के आइए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन के आइए। बहुत चीज़ मायने रखता है। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्टर बॉलीवुड में काम कर रहे हैं लेकिन उनका साइड में कोई ना कोई बिजनेस है। वैसे आप भी कर सकते हैं, साइड में कोई बिजनेस है आपका तो आप भी उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे सचिन जोशी हैं, उनका अलग बिजनेस है लेकिन फिल्म बॉलीवुड में भी काम करते हैं। सलमान खान का अपना अलग NGO है, बॉलीवुड में भी काम करते हैं। तो खैर वो तो बाद में NGO बनाए, पहले से ये स्टार थे वो। इस तरीके से बहुत सारे, रेमो डिसूजा का अपना अलग बिजनेस है और इसमें भी काम करते हैं बॉलीवुड में भी। और रेमो डिसूजा से याद आया कि कुछ दिन पहले अभी उनको हार्ट अटैक आया था और अभी काफ़ी अच्छा रिकवर कर रहे हैं वो, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द वो ठीक हों और पूरी जनता को खुश करें, अपने फैन को खुश करें कि मैं ठीक हो गया। और ये न्यूज बहुत जल्द हम लोग के बीच में आएगा। मैं आप लोग बता दूं कि कोकिलाबेन वर्सोवा मुंबई में अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो, उससे मिलने के लिए बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं वहाँ पे, धर्मेश हो गए या फिर नोरा फतेही हो गई, श्रद्धा कपूर हो गई, ऐसे बहुत सारे स्टार वहाँ पे आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डांसर्स और ऐसे फैन उनके, जो कि बाहर में आके इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ठीक हों और एक झलक उनका पाने के लिए, उनका तबीयत कैसा है। कुछ उनको तो हो नहीं है, हो ना जाए, भगवान से दुआ कर रहे हैं कि उनको कुछ ना हो और जल्द से जल्द ठीक होकर बाहर आए, हमको एक झलक दिखलाएं। तो चूँकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि अभी जब से लॉकडाउन लगा है, कोरोना काल जब से चालू हुआ है, तब से बहुत सारे स्टार हम लोग खो चुके हैं बॉलीवुड से, लाइक ऋषि कपूर, इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत या फिर आर्या बनर्जी, बसरा जी, ऐसे बहुत सारे, और भी बहुत सारे, तारक मेहता को उल्टा चश्मा का राइटर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको हम लोग खो चुके हैं। तो अब मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारा बॉलीवुड का कोई भी बंदा को किसी तरीके से प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो और वो बॉलीवुड छोड़ के जाए, हमसे दूर जाए, क्योंकि हमारे लिए हर एक कोई प्यारा है, हर एक को मैं दिल से चाहता हूँ और हर किसी का एक फ़ैन फॉलोइंग है। तो वो फैन को दुखी ना करें, उनका अपना पर्सनल फैमिली है, फैमिली को कोई समस्या ना हो। एक आदमी के जाने की वजह से कितने लोगों को समस्या होती है। एक आदमी जा रहा है तो उसकी मम्मी को, उसके पापा को, वाइफ को, बीवी को, बच्चों को, सबको समस्या हो रहा है।
चलो एक बात, ये बात मान लेते हैं हम लोग एक बार के लिए कि कोई सीनियर पर्सन है, लाइक एज हो गया उनका 70 साल, 80, 90, 100, वो अपनी ज़िंदगी जी लिए हैं, बुढ़ापे में आ चुके हैं, वो एक्सपायर कर रहे हैं, तो चलो एक बार के लिए समझ में आता है कि हाँ कोई बात नहीं, सबको मरना है एक दिन, तो वो मर गए तो उनके लिए ज़्यादा कुछ मतलब फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से लेकिन अगर यंग कोई है, यंग कोई जाता है तो उसके लिए बहुत अफसोस होता है, जैसे कि आर्या बनर्जी काफ़ी यंग थी, अभी 33 ईयर्स की थी और वो एक्सपायर कर गई कोलकाता में अपने घर में ही। उनका जो टेक केयर जो करती थी वो घर के बाहर ही थी, फ़ोन कर रही थी, फ़ोन नहीं उठा रही, बेल बजा रही थी, तो फिर वो दूसरे को फ़ोन की, बाहर से लोग आए और फिर गेट को तोड़ा गया, तब जाके उनकी डेड बॉडी को निकाला गया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जो भी इंस्पायरिंग एक्टर हैं, नए एक्टर हैं, वो काफ़ी सोच बूझ के साथ, समझदारी के साथ आए मुंबई में, बॉलीवुड में कदम रखें, तो बहुत समझदारी के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। एक आम लाइफ, नॉर्मल लाइफ और बॉलीवुड में लाइफ, बॉलीवुड के लाइफ में काफ़ी फ़र्क है। काफ़ी समझदारी से सोच समझ के, ओपन माइंड होकर, फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर, माइंड से स्ट्रांग होकर, कॉन्फिडेंस के साथ में वहाँ पर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। नहीं तो आपको वहाँ पर दबाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पीछे खींचने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पैर खींचने के लिए बहुत सारे लोग हैं। थोड़ा सा भी फाइनेंशियल इशू होगा तो आपको लोग वहाँ से भगा देंगे, हटा देंगे, या खुद आपको भागना पड़ेगा। टांग खींचने वाले बहुत हैं वहाँ पर, नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ सकता है आपको। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग होइएगा, तो आप खुद फाइनेंस वहाँ पर लगाओगे, खुद फिल्म बनाओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। अपना अलग एक दुनिया बनाओ वहाँ पर, अलग दुनिया बसाओ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी इंस्पायरिंग एक्टर हैं, नए एक्टर हैं, आते हैं तो आप अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से संपर्क कीजिए, अच्छा काम कीजिए। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं जो कि गलत लोगों के शिकार हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केस मैंने सुना है कि लड़कियाँ कुछ लोगों के मतलब चक्कर में फंस के और दुबई जाती हैं। दुबई जाने के बाद वहाँ पे उनको बहुत सारे गलत काम में फंसा दिया जाता है, कुछ साल के लिए वहाँ पे उनको रहना पड़ जाता है कुछ पैसों के लालच में। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब कोई भी इशू आपके साथ ना हो, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। जिस काम पे आप आए हो, जिस काम को करने के लिए आए हो, उसको फोकस करो, फोकस करो, अच्छे से करो, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो, अच्छा कर सकते हो, करियर अच्छा बना सकते हो, आप एक अच्छा स्टार बन सकते हो, ऐसा स्टार बन सकते हो कि आपके एक आवाज़ पे पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा आपके साथ में, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हो। उनके मरने के बाद लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। फ्यूनरल होने के बाद भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, खुद मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे हमारे बीच में। लेकिन कैसे भी करके धीरे 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 अब विश्वास हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत, 6 महीने बीत गए, 6 महीने से ज़्यादा हो गए, तब जाके अब जाके विश्वास हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। तो खैर वो तो एक इंसिडेंट था, या फिर बहुत सारी चीज़ होता है जो बोलते हैं कि भगवान का लिखा होता है, काल का सिस्टम बना हुआ है, तो ये सब भी होता है और कुछ अपना भी देखना पड़ता है सब कुछ। तो जो है वो सब तो होगा ही, लेकिन हमको सतर्क होके सबको, आपको सबको सतर्क होके चलना है, अच्छे से कदम बढ़ाना है, जो हम करने के लिए आए हैं वही करें, रास्ता भटकना नहीं चाहिए। एक्टर बनने के लिए आए हैं तो एक्टर बने, डायरेक्टर बनने के लिए आए हैं तो डायरेक्टर बने, या फिर एक्टर बनने के लिए आए हैं तो ये माइंड मेकअप करके, कभी भी आप मुंबई आते हैं तो ये माइंड मेकअप करके आइए कि मैं बॉलीवुड में ही काम करूँगा, और एक्टर बनने के लिए जा रहे हैं तो ये सोच के आइए कि अगर मैं एक्टर नहीं बन पाया तो बॉलीवुड में कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगा, राइटर बन जाऊँगा, डायरेक्टर बन जाऊँगा, कैमरामैन बन जाऊँगा, प्रोडक्शन में कुछ काम करूँगा, एडिटिंग करूँगा। तो इस हिसाब से आपके पास नॉलेज होना चाहिए, पूरा नॉलेज के साथ आइए। डांस कोरियोग्राफर बनिए, मास्टर डांस मास्टर बनिए, फाइट मास्टर बनिए, लेकिन बॉलीवुड में रहिए जब आप मुंबई आते हैं तो। लेकिन अगर आप कुछ और फील्ड में, किसी और फील्ड में चले गए, बॉलीवुड को छोड़ के, फिल्म लाइन को छोड़ के, फिल्म मेकिंग को छोड़ के, लाइक आप कहीं पर मैनेजर का जॉब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा आपका मुंबई आके? आप अपने शहर में ही कीजिए उस काम को,
मुंबई जब आए हो तो बॉलीवुड में ही काम करो, दूसरी किसी फील्ड में काम करने कोई फायदा नहीं है, मजबूरी वश करना पड़ रहा है तो बॉलीवुड में ही करो, फिल्म में ही करो, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं, डायरेक्शन का ऑप्शन, अगर आप एक्टिंग में आए हो तो डायरेक्शन का ऑप्शन है आपके पास, डायरेक्शन कीजिए, डायरेक्शन करके आप अपना काम वहाँ पे चला सकते हैं, डायरेक्शन कीजिएगा तो आपको सीखने को भी बहुत मिलेगा और हो सकता है कि जो मेन डायरेक्टर है वो आपको एक्टर के तौर पर भी आपको कुछ काम दे दें, तो आप एक्टिंग भी कर सकते हैं, एक्टिंग सीख भी सकते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, आप उनको स्क्रिप्ट दोगे, डायरेक्शन सिखाओगे तो फिर बताओगे उनको कैसे करो, आप हो सकता है कि आपको मेन डायरेक्टर है वो मेन आर्टिस्ट को समझाएंगे, लेकिन छोटे मोटे आर्टिस्ट को, वन डे टू डे आर्टिस्ट को या साइड आर्टिस्ट को आपको भी समझाने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से आप जब भी आते हैं एक्टर बनने के लिए तो पूरा तैयारी के साथ सोच समझ के आइए और आगे कदम बढ़ाइए, सफलता आपकी कदम चुनेगी। ऐसे बहुत सारे सीने आर्टिस्ट का हत्या हुआ जिसका कोई सुराग नहीं मिल पाया और उनका कुछ कारण पता नहीं चल पाया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का फैन फॉलोइंग इतना था, इतने घर घर में घुसे हुए थे, इतनी एक एक जनता, इतनी पब्लिक पूरी दुनिया में इतनी फैन फॉलोइंग थी कि इतना तेजी से वो एक आग की तरह फैला उनका हत्या और उनके लिए जस्टिस का मांग कि पूछिए मत, और पूरी दुनिया से आवाज़ उठी और आज सब लोग उनके लिए एक साथ खड़े हैं, उनकी जस्टिस के लिए एक साथ खड़े हैं और उनको जस्टिस दिलाकर ही रहेंगे हम लोग, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, और आने वाला समय में मैं भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रोटेस्ट करने वाला हूँ, रन फॉर सुशांत करने वाला हूँ, या फिर जिस तरीके से भी हो सकता है जस्टिस दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को मैं सब कुछ करूँगा और जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ तक वीडियो देखा वीडियो को, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को वायरल कर दें, वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, भेजिए सबको, हर एक प्लेटफॉर्म पर भेजिए, ये वीडियो वायरल होना चाहिए, अगर ये वीडियो वायरल हो गया ना तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग से OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करूंगा और जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी एक्टर हैं, सिंगर हैं, सबको मैं वहां पे चांस दूंगा, वेब सीरीज बनेगा, गाने बनेंगे और सबको चांस मिलेगा, गर्दा मचा देंगे हम लोग, आग लगा देंगे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, OTT प्लेटफॉर्म पे, हर एक जगह पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस वीडियो को वायरल करना है, वायरल करो, वायरल करो, वायरल करो, शेयर करो सबको, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक कर दो एक बार, इतना मेहनत किया हम लोगों ने, बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।